सुनते सुनते बोलते भैया कथा सुनते सुनते तो हम बोर हो गए, पर इसका मतलब समझो वो कथा रस को नहीं जानता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले तुंडे तांडव निमित विकल होते तुंडा बलि लब्ध कर्ण क्रणो कड़मिनि घटयते कर्णा बुधेव स्प्रिया। रूप गोस्वामी कहते बोले प्रभु ब्रह्मा जी को निंदा करते हैं, बोले ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, इतने मीठी मीठी कथा कृष्ण की और इतने मीठी नाम को सुनने के लिए दो ही कान दिए, ये करोड़ों करोड़ों कहानी क्यों नहीं दे दिए, बोले कृष्ण नाम जप करने के लिए एक ही जीवा क्यों दिए और बुद्ध खरबुद क्यों जीवा नहीं दिए। भगवान जब पृथ्वी महाराज को बोलते हैं प्रिथु मेरे से वर मांगो, कहते प्रभु मेरे को 1000 कान दे दो, बोले 1000 कान लेकर क्या करोगे, दो कान तो बढ़िया लग रहा है, अगर सारी शरीर में कान ही कान हो जाए अच्छी लगेगी थोड़ी, बोले प्रभु कान भी दो रहे लेकिन दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने की इतने शक्ति दे दो 10000 कानों में जो शक्ति है। दूसरा तात्पर्य यह है जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होती होगी, बोले प्रभु कहीं की कथा मेरी चुप नहीं जाए, जहां जहां कथा हो मैं उतना स्वरूप को लेकर के वहां पर बैठ करके तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ। इसलिए जो भगवान की जो कथा है सुनते सुनते इसको अरुचि नहीं बल्कि जितना सुने इच्छा करे और सुने, इच्छा करे और सुने। इसलिए ये भागवत में भागवत इसमें चार ही अक्षर है, बोले भैया इसका मतलब क्या है, बोले भा मतलब क्या, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले ग मतलब, बोले गीयते नारदादिभि, बोले ब मतलब, बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले त मतलब, बोले तरणी कभी चार अक्षर में, कभी जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है क्या चीज, कभी चार अक्षर में श्री उसका सारे सार इसमें बता दिया है। आज इसका मैं सुनाऊंगा, कल आप सफर में सुनूंगा, मैं देखूंगा कल मेरे को कौन बोल पाता है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान देकर सुनना जैसे कल मेरे को सुना सकता हूँ। बोले भा मतलब है, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, इसका मतलब है कथा केवल हम ही सुन रहे हैं ऐसे बात नहीं, ये कथा एक स्वर्गलोक में भी है, कभी ये ब्रह्मलोक में भी है, कभी ये सीप भी सुनते हैं और वैकुंठ में भी कथा सुनते हैं। इसलिए श्री स्कंद पुराण में बताए ये उद्धव जी स्वयं कहते हैं, बोले जिस समय भगवान ने ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों को उन्होंने सृष्टि की। ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मा जी तुम्हारा काम ये सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारा काम ये संहार करना और विष्णु को बोले तुम्हारे काम पालन करना। तब ब्रह्मा जी कहते प्रभु आपका आशीर्वाद से ये जगत का सृष्टि तो मैं कर सकता हूँ लेकिन जो सृष्टि है ये रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी अगर ये 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनोगे इसी के प्रभाव से ये दुनिया का सृष्टि काम भी कर सकते हो
और ये रजोगुण से तेरे को मुक्ति भी मिल सकती है। इतने में विष्णु जी आए, बोले प्रभु जी आपका आशीर्वाद से ये दुनिया का मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूं? बोले आप भी ये भागवत कथा सुनो, इसकी प्रभाव से ये दुनिया का सृष्टि भी आप कर सकते हो। इसलिए जब स्वयं विष्णु कथा करते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ करके कथा सुनती है। बोले एक महीना, हम लोग तो 7 दिन तक सुनेंगे। श्री नारायण जब कथा करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बड़ी व्याख्या करते हुए कथा को सुनाते हैं, उनको एक महीना कथा लग जाती है कथा करने में। अभी मैया लक्ष्मी भी कथा सुनाती है, स्वयं नारायण भी बैठ करके कथा सुनते हैं। बोले लक्ष्मी को कितना दिन लगती है कथा सुनाने के लिए? बोले नारायण जितने सुंदर कथा करते हैं, उससे ज्यादा सुंदर कथा करती है माँ लक्ष्मी, ज्यादा सुंदर कथा करती है, उनको 2 महीना लग जाती है। इतने में श्री शंकर जी आए, बोले प्रभु जी आपका आशीर्वाद से ये दुनिया का संहार तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो संहार है कभी ये तमोगुण का काम है, कभी ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले आप भी कथा सुनाओ और कथा सुना। इसलिए शंकर जी जब कथा करते हैं 1 साल तक, क्योंकि शंकर जी कौन है? बोले वैष्णव नाम जथा सर्वो, शंकर जी वैष्णव में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ शंकर जी। इसलिए ये भागवत कथा को सर्वप्रथम कौन किसको सुनाया बताओ? कौन किसको सुनाए? कौन किसको सुनाए? जोर से बोलो। इसलिए ये शंकर जी सबसे पहले माता पार्वती को ये अमरनाथ में ये कथा सुनाए, इसलिए ये भागवत का एक नाम है श्री अमर कथा। हम हर साल सुनते हैं ये अमर कथा, कैसे कथा है ये अमर कथा है। इसलिए जब श्री शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनाते हैं, वो 1 साल तक कथा सुनाते हैं और बड़ी मीठी मीठी व्याख्या करते हुए तब ये भागवत कथा सुनाते हैं। अभी माँ पार्वती जब स्वयं कथा सुनाती हैं, शंकर भी बैठ कर कथा सुनती हैं। कहते शंकर जी तो 1 साल लगाते हैं, लेकिन माता पार्वती जब कथा सुनाती हैं, कहते ये 2 साल की कथा पूरी करती है। शंकर जी से भी ज्यादा व्याख्या और ज्यादा सुंदर कथा जो करती है ये माँ पार्वती, क्योंकि ये जो पार्वती है ये वैष्णवी। पार्वती कौन है? एक वैष्णवी देवी है ना। वैष्णवी देवी मतलब क्या? जो भगवान विष्णु को जो आराधना करती है, ये माँ वैष्णवी देवी है। इसलिए ये भागवत कथा की प्रभाव से ब्रह्मा जी जगत का सृष्टि काम करते हैं, शंकर जी संहार का काम करते हैं और भगवान विष्णु जगत को पालन करते हैं ये भागवत कथा से। इसलिए भा मतलब होता है भाति सर्वेषु लोकेषु, जिसका प्रकाश जिसकी महिमा केवल भारत वर्ष में नहीं, ब्रह्मलोक में शिव लोक में वैकुंठ लोक में भी जिसकी प्रभाव है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले भा, बोले का मतलब? बोले गीयते नारदादि भी, बोले जिस कथा को नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिस कथा को कहते हैं, इसलिए इसका नाम है भागवत। क्या नाम है? भागवत। ये भागवत का 3 अर्थ बताया। कितना अर्थ बताया? हाँ, 3 अर्थ। मतलब भागवत का प्रथम अर्थ होता है, बोले भागवत प्रथम इति भागवत। ये भागवत ग्रंथ की इतने महिमा क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, सबसे पहले ये भगवान की मुखार विंद से ये कथा निकली है। कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी को ये भागवत चतुश्लोक रूप में उनको प्रदान किया है। फिर कृष्ण ब्रह्मा जी को दिए, फिर ब्रह्मा जी जब ये कथा सुनाए, ये चतुष्सन ने ये ब्रह्मा जी से कथा सुनी,
फिर ब्रह्मा जी किसको कथा सुनाए? बोले चंदू सर, फिर नारद जी को। फिर ये नारद जी कथा किसको सुनाए? बोले श्री व्यास देव को। बोले व्यास देव किसको सुनाए? बोले श्री सुखदेव को। फिर सुखदेव किसको सुनाए? श्री परीक्षित को है। फिर श्री सुतो गोस्वामी को। ऐसे होते होते ये भागवत कथा भगवत लोग से धीरे 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 इसी जगत में आया है, इसलिए इसका एक नाम है भागवत, मतलब भगवान की पुकार बिंद से जो ग्रंथ निकली। दूसरा अर्थ है भागवत मतलब जिसमें केवल भागवतों का कथा है। भागवत मतलब वैष्णव को कथा है, केवल भक्तों का चरित्र है, प्रहलाद का चरित्र, ध्रुव चरित्र, अम्बरीश महाराज, ब्रजवासियों की गोपियों की कथा जिसमें है, ये कहते ये भागवत है। तीसरा अर्थ है जिसमें केवल भगवान की कथा और जिसमें और किसकी कथा नहीं, केवल भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान की शुद्ध महिमा को जिसमें गाई गई, जिसमें और किसी कथा नहीं। इसलिए गा मतलब होता है गीयते नारदादि भी, जिस ग्रंथ को बड़े बड़े नारद, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े ऋषि लोग जिस कथा को गान करते हैं। बोले ब मतलब बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु। बोले भागवत ग्रंथ की इतने महिमा क्यों, कारण क्या है? आप देखना सब जगह में जहां देखो भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा सब जगह में, क्यों कारण किया, सब जगह में ये भागवत कथा क्यों हो रही है? कारण है, हम आगे सुनेंगे। ये सारी ग्रंथों को रचना करने वाले जितने वेद, पुराण, उपनिषद, ये ग्रंथों को रचना करने वाले श्री व्यास देव, ये व्यास और कोई नहीं, ये व्यास नारायण स्वयं, ये स्वयं भगवान नारायण ही ग्रंथ बनाए। लेकिन ये सारे ग्रंथ बनाने का बावजूद भी इनको हृदय में, मन में शांति नहीं मिली, इनके मन में संतोष नहीं मिला। लेकिन जब श्री नारद जी ब्रह्मा श्री व्यास देव को बोले, बोले व्यास अगर तुम हृदय में शांति पाना चाहते हो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो। जब उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की तभी हृदय में पूर्ण रूप में इनकी शांति तभी मिला। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करेंगे उनको ही हृदय में परम शांति और परम आनंद तभी मिलेगा जब ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करोगे, भागवत कथा को पढ़ोगे। इसलिए जितने सारे ग्रंथों के जो सार है यदि ये श्रीमद् भागवत कथा है, इसलिए भागवत में बताए बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मोहुरहो रसिका भूमि भावुका। बल ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ क्या है? बल जितने वेद, पुराण, उपनिषद, जितने सारे शास्त्र हैं, बल सर्व वेद इतिहासानाम सार सार समुद्रितम, जितने सारे वेद पुराण का जो सार है यदि ये श्रीमद् भागवत है। बल तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। अगर ये भागवत रस को एक बार कोई पान कर लेना उसको और किसी रस में भी उसको रुचि नहीं होता है, अगर ये भागवत रस को एक बार कोई पान कर ले। इसलिए ये बा है। बोले त मतलब बोले तरणी च भवार नवा। अगर ये भागवत कथा को कोई श्रवण करे, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तेरे को और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल यहाँ पर बैठो और कथा सुनो। ये कथा सुनते सुनते जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हो जाएगा ये भव सागर से मेरी पार हो गई तब तक मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को कुछ भी करने का जरूरत नहीं, बैठ कर कथा सुनो। और उन्होंने कथा सुनते 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 ये भवसागर से पार हो गई, गोलोक वृंदावन से रथ आया, रथ में बैठी करके सीधा उन्होंने भगवत लोक गमन किया।
इसलिए यदि भागवत जितने सारे ग्रंथ का सार है, अगर इसको एक बार कोई सुन ले तो और कोई ग्रंथ सुनने की उसकी इच्छा नहीं रह जाएगी। बस श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज आसानी से मिल जाती है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़े कष्ट से मिलती है। तो मैया पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु अब किस चीज के नाम बता दो, वो जगत में बड़े भाग्य से मिलता है। शंकर जी कहते पार्वती, बोले सतसंगति दुर्लभ संसारा।
जैसे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जैसे पद भागवत कथा वृंदावन की जय। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, ये जगत में सत्य संगति दुर्लभ संसार। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। जगत में वो दो चीज की दुर्लभता कहते हैं, एक तो संतों का संग और दूसरे चीज हरि की कथा। गोस्वामी जी कहते हैं सूत दार और बीत ये पापी को भी हो, रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार रावण को भी बहुत था, सोने की लंका जिसको पास में सोने की लंका थी है, जिसको पास में मंदोदर जैसे पत्नी मेघनाथ जैसे बेटा सवा लाख नाती पता नहीं कितने बेटे उनके थे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रुपया पैसा धन दौलत ये एक दुष्ट पापी को पास में भी हुआ करता है। लेकिन जगत में दो चीज दुर्लभ है, संत समागम और हरि कथा, ये दो चीज दुर्लभ है। जब शंकर जी बोले पार्वती हरि की कथा बड़ा दुर्लभ है, तब मैया पार्वती प्रश्न करती है बोले प्रभु हरि कथा कहाँ दुर्लभ, देखो बड़ोत में भागवत कथा हो रही है, हो रही है। कितना दिन से हमारे भक्त लोग हाँ कितने प्रचार किए होंगे, गली गली में नगर संकीर्तन करते हैं, पहले से बोलते हैं कथा में आना कथा में आना कथा में आना। लेकिन हमारे भाई लोग क्या बोलते हैं बोले देवी जी तू चले जा, देवी जी तू चले जा, मैं ये काम को निपटा करेगा ना मैं आ जाऊंगा, ये काम जब निपट जाएगा ना फिर मैं आ जाऊंगा। बोले भैया तू खुद निपट जाओगे लेकिन तेरे काम कभी निपटेगा नहीं। अभी तक काम किसका निपटा है बता, किसने अभी काम को निपटा पाए। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती सत्य संगति दुर्लभ संसारा, मैया पार्वती कहते प्रभु दुर्लभ कहा देखो सुलभ थे कथा हो रही है, आप दुर्लभ कैसे बता रहे हो, बैनर लगाते पंपलेट बांटते हैं और कितने प्रचार करते हैं कथा होगी कथा होगी कथा सुनने के लिए आओ। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती बोले आप तो यही अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए। बोले पार्वती ये सारे काम तो करेंगे लेकिन पार्वती कोई नहीं आएगा, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अगर पता चलना सलमान खाना आ रहा है, शाहरुख खाना आ रहा है, हेमा मालिनी आ रहा है, हेमा मालिनी आ रही है, अमिताभ बच्चन आ रहा है, अगर किसको पता चल जाए किसको बोलने का जरूरत है बता। आप देखना यहाँ पर प्यार रखने की भी जगह तुम्हारी नहीं मिलेगी, इतना भीड़ हो जाएगी है, टिकट टिकट देने पर भी टिकट भी खत्म हो जाएगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप यही सर अति कठिन आई राम कृपा बिनो आई न जाए। जब तक भगवान की कृपा किसी जीव को पर नहीं हो पार्वती ये कथा में नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तब भैया फिर प्रश्न करती है बोले प्रभु फिर ये कथा में कौन कौन आते हैं, यदि ये कथा सुनने के लिए कौन कौन फिर कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो ये शंकर जी स्वयं कहते हैं कथा सुनने के लिए कौन कौन आते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर Oh,
पर जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो। भगवान की दो तरह का कृपा होता है, एक तो घुमा फिरा करके कृपा है और एक कृपा है डायरेक्ट कृपा है। यहाँ शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी का डायरेक्ट कृपा हो गया उसको ही ये सत्संग और भगवान के भक्तों का दर्शन कभी मिलता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनको रूप गोस्वामी को कहते बोले रूप जीव अनादि काल से भगवान से बिछड़ करके ये 14 ब्रह्मांड और ये 84 लख ज्योति में जीव भटकता है। लेकिन भटकते भटकते जीव का जब सौभाग्य का दिन आता है, सौभाग्य मतलब जब जीव का संसार बंधन अभी खत्म होने वाले संसार और उसको भटकना नहीं, अभी ठाकुर जी उसको अपना चरण में स्थान देने वाले हैं, अभी जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्ति होने वाले हैं, ठाकुर जी की चरण की सेवा मिलने वाले हैं, महाप्रभु कहते तब भी जीव को ये भागवत कथा संतों का समागम संतों का दर्शन तभी ये कथा सुनने को मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। इसलिए जिसको पर में ठाकुर का बड़ी कृपा हो तभी ये साधु संग हरि कथा में तभी जीव को रुचि होता, नहीं तो रुचि नहीं होगी, कथा सुनने नहीं आएगा। ये शंकर जी पार्वती को ये बात समझाते हैं। इसलिए उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारे घर में कोई शादी का शादी हो रही है, बताओ वो शादी में कौन आएगा? आप जिसको निमंत्रण दो, अगर वो 1000 किलोमीटर दूर में क्यों नहीं हो, अगर आप उनको निमंत्रण कार्ड देगा तो जरूर आएगा। लेकिन तुम्हारी घर को पास में 9 इंची का दीवार में दीवार लगा हुआ एक व्यक्ति का घर है, अगर आप उसको निमंत्रण मत दो वो तुम्हारे घर में आएगा? आएगा तुम्हारे घर में? वो नहीं आएगा। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर में कोई हो वो आएगा, क्यों? आप उसको निमंत्रण कार्ड भेजे हो। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती वही व्यक्ति ये कथा में आ सकते हैं जिसको ठाकुर जी निमंत्रण दिया है। जिसको ठाकुर जी क्या दिया है? जिसको ठाकुर जी निमंत्रण कार्ड भेजे हैं। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे जब कृष्ण बंसी बटों को नीचे कृष्ण जब बंसुरी बजाए ब्रज में तो कितने गोप गोपी थे लेकिन सबके सब क्या आए? नहीं आए। कृष्णा जिनको बुला रहे थे ना वही व्यक्ति केवल वहां पर आए, क्योंकि कृष्णा गोपों को नहीं बुला रहे थे, कृष्णा माताओं को नहीं बुला रही थी, कृष्णा बुला रहे थे ब्रज की गोपियों को, कृष्णा बुला रहे थे। इसलिए केवल ब्रज की गोपियां ही वहां पर आई। इसलिए यहाँ पर कन्हैया ने भागवत कथा रूपी बंसुरी तो बजाए लेकिन ये सभी को कानों में ये बंसुरी पड़ी नहीं, लेकिन कृष्णा जिसको बुलाना चाह रहे थे ना उनको कान में ही बंसुरी की आवाज पड़ी। इसलिए आप लोग जो है ना कृष्ण की गोपियां हो, इसलिए कन्हैया ने आपको बुलाना चाह रहे थे, इसलिए कृष्ण ने इसलिए आप लोग घर छोड़ करके भागते 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 आए। लेकिन जब ये गोपियां आती है ना कृष्ण क्या कहते हैं? बोले स्वागतम मे महाभागा। कृष्ण कहते हे महाभागवती, कृष्ण स्वयं केवल कृष्ण दो बार ये स्वागत शब्द प्रयोग किया, केवल दो बार कृष्ण स्वागत प्रयोग किया है, एक तो ये गोपियों की और किसको प्रयोग किया है? बोले कृष्ण जब सखाओं को साथ में प्रभु गैया चराते चराते जब गए, सखा ने कहा कन्हैया बड़े पेट में भूख लग रहा है, चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दे। इतने में कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, जाओ ये पास में ये बड़े बड़े ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाओ वो लोग यज्ञ के लिए लड्डू कचौड़ी मालपुआ इमरती रसमलाई लड्डी घी चमचम है बढ़िया बढ़िया खाना पकवान मालपुआ बड़ा चकाचक भोजन बनाए। अरे यज्ञ सर कौन है? ये कृष्ण स्वयं। बोले जा मेरे नाम लेकर के बोलना कृष्ण भोजन मंगवाए। लेकिन सखा लोग गए और जोर जोर से बोले पास में कृष्ण बलराम आए हैं, वो कुछ भोजन मंगवा रहे हैं, उनके लिए कुछ भोजन दो। लेकिन जो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे ना जो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, त्रिवेदी चतुर्वेदी जानते हो, त्रिवेदी मतलब क्या, जो दो वेद को जानने वाले,
तीन वेद को जानने वाले, चार वेद को जानने वाले, लेकिन इस सुन करके भी वो अनसुना कर दी। सखा लोग बड़े दुखी होकर के आ गए, बोले कन्हैया तेने बताई जे उनको मेरा नाम लेने पर भोजन मिलेगा, लेकिन तुम्हारी नाम सुनकर तो अनसुना कर दिए, तेरे नाम सुनकर सुने ही नहीं। इतने में कृष्ण ने कहा, देखो जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं ना, किसी घर में भिक्षा मिलेगा और किसी घर में भिक्षा नहीं मिलेगा। किसी घर में बड़े प्यार से बुला करके हाँ तुमको खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, इसलिए दुखी नहीं होनी चाहिए। एक काम करो, उनको जो पत्नियां है ना, वो मेरे बड़े परम भक्त है, परम भक्त उनकी पत्नियां, उनको पत्नियों के पास में जाओ। बोले कन्हैया ये लोग इतने वेद पुराण उपनिषद दो वेद तीन वेद जानने वाले, और ये तेरे को पहचान नहीं पाए। जो स्त्रियां घर में रहती हैं, जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हो पाती, जिनके उपनयन संस्कार नहीं, अपवित्र रहने वाली, और ये तेरे नाम सुनकर तेरे को भिक्षा देंगे। कृष्ण ने कहा, देखो ये जो भक्ति है ना, किसी चीज को पर निर्भर डिपेंड नहीं करता है, ये भक्ति स्वतंत्र है, ये भक्ति कहीं भी, ये भक्ति प्रकट हो सकती है, कहीं भी भक्ति प्रकट हो सकती है, भक्ति किसी की पर निर्भर नहीं करता। तू जा, तुम लोग जाओ और एक बार जा करके मेरे नाम को बोलो। इतने में सखा लोग फिर गए मथुरा में, जो पत्नियों को पास में। सचमुच से जब गए ना, उन लोगों ने देखा जितने दिजो पत्नियां थी, ब्राह्मण की जो स्त्रियां थी, हाथों में तो काम कर रही थी और मुंह में ठाकुर जी के नाम ले रही थी, कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर नाम ले रही थी। बोले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय बोल रहे थे। देखो पत्नियां कैसे बड़ी सुंदर सुंदर हमारी कन्हैया की कीर्तन कर रहे हैं, जरूर भिक्षा मिलेगा। आकर के बोले कृष्ण बलराम पास में आए हैं, भूखे हैं, आपसे कुछ भोजन भोजन मंगवाए। यज्ञ के लिए जो मिठाई पकवान बनाए थे ना, बोले कृष्ण बलराम पास में आए। बोले हाँ, बोले इन्हीं हाथों से हम खिला पाएंगे। बोले खिलाओगे तो तभी तो भोजन मांगने आए हैं। जितने यज्ञ के लिए बनाए थे ले करके भगे वहां से। किसने जाकर के ब्राह्मण से बोल दिए, बोले भैया यज्ञ के लिए तुमने जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ बनाए थे ना, तुम्हारी पत्नियां तो सब लेकर के कृष्ण की सेवा के लिए जा रही हैं। सुनते ही ब्राह्मण लोग तो चौकी खड़े करके भगे वहां से। बोले कहां जा रहे हो, बोले कृष्ण को भोजन कराने के लिए। बोले घर से अगर निकलोगे ना, टांग तोड़ देंगे घर से निकलोगे तो, घर में घुसने नहीं देंगे। बोले तेरे घर में ही नहीं आएंगे हम, तो कृष्ण को पास में रहा करेंगे, तेरे घर में हम आएंगे नहीं। बोले खबरदार, आना नहीं, बोले आएंगे नहीं। सचमुच से जब कृष्ण के लिए सब लेकर गए, हरे कृष्ण दो बार बोले, बोले स्वागतम मे महाभाग। कृष्ण कहते हे महाभाग्यवती, तुम सबको मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि संसार की सारे बंधन को तोड़ करके तुम लोग मेरे पास में आए।
सारे बंधन को तोड़ करके, लाज लज्जा सब कुछ तोड़ करके, देखो आप देखना भक्ति करने के लिए भी, जैसे कभी पत्नी कथा सुनने के लिए आए, रंग चढ़े, कभी तिलक लगाती है, गले में कंठी बहनती है, हैं प्रभु को भजन करती है, कभी कभी पति भी कभी कभी नाराज हो जाती है, बोली कौन सा बाबा की चक्कर में पड़ गई, हैं पहले बोलती थी सिनेमा देखने ले चलो, अभी तो समय होते चलो गौड़ी बटे में चलो, हैं जन्माष्टमी रामनवमी में चलो, अभी तो तुम तो इधर उधर घूमने का बात नहीं करते, जब चलो वृंदावन चलो, हैं नवद्वीप चलो, पूरी चलो। इसलिए कभी कभी भक्ति में अगर पति अगर कथा सुने, अगर इनको अगर रंग चढ़े तो पत्नी कभी कभी बिगड़ती है, बोले कौन सी बाबा का चक्कर में पड़ गए हो, जब देखो गीता भागवत लेकर माला लेकर दिन भर बैठे रहते हो। इसलिए देखो भगवान की भक्ति में जो आते हैं ना, भगवान की भक्ति में जो आते हैं ना, थोड़ी देर पर कभी बाधाएं आती है, भगवान कभी परीक्षा करते हैं, ठाकुर जी कभी परीक्षा करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ये सारे बाधाओं को तोड़ करके भगवान की भक्ति में आते हैं, कृष्ण कहते मैं उनको स्वागत करता हूँ। देखो मीरा ने भजन की, मीरा ने भजन की, उसको पति देवर जेठ ननद सास विरोध की कि नहीं, लेकिन दुनिया में किसकी नाम हो रही है बताओ, किसकी नाम हो रही है दुनिया में, मीरा की नाम हो रही है। ये गोपियां भी की, जो पत्नी में भी की, लेकिन जगत में नाम किसकी हो रही है, जिन लोगों ने भगवान की भक्ति किया है, भगवान की भजन किया, जगत में उनका नाम अमर हो गया है। जब तक ये दुनिया रहेगा उनके नाम सोने की अक्षर में उनका नाम लिपिबद्ध रहेगा। इसलिए यहाँ पर शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही या संगत सोई, जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा होती है पार्वती, तभी जीवन में ये सत्संग, तभी जीवन में ये भागवत कथा, तभी जीवन में ये भगवान की कथा सुनने को मिलती है। इसलिए समझो आप सबको ऊपर में, और बड़ौत वासी तो उनका नाम ही बड़ौत, बड़ौत में सबसे बड़े हैं, जगत में सबसे बड़े हैं, और आप लोगों को अंदर में इतनी भक्ति की भावना कैसे आई आपको बताए। यहाँ दो तीन कारण है, पहला कारण है यहाँ पर जो गंगा नदी है ना, ये जो यहाँ पर नदी रूप में ये यहाँ पर बह रही है, ये गंगा कोई साधारण वस्तु मत समझो। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के जा रहे हैं, हा कृष्णा करते करते दोनों भुजाओं को उठाते हुए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, कोई जयकार नहीं दे रहे हैं, अरे प्रसाद बढ़िया बढ़िया प्रसाद तैयार, जोर से जयकार दो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जब श्री मन महाप्रभु जा रहे थे, उन्होंने बड़े दूर तक गए, लेकिन किसी के मुंह में हरि का नाम नहीं सुना, कहीं भी कृष्ण कृष्ण राम राम राधे राधे कहीं उन्होंने सुने नहीं। लेकिन जब एक जगह पर गए, देखा बच्चे लोग बोले हरि बोल, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतने में महाप्रभु ने सुना कुछ बच्चों को हरि का नाम लेते हुए, महाप्रभु देखे इतने दूर तक आया, अभी तक तो ये हरि का नाम राम का नाम राधे का नाम कहीं सुना नहीं, लेकिन यहाँ पर हरि का नाम कहाँ से आ रही है। इतने में देखा वो पास में गंगा बह रही है, ये गंगा कौन है, ये ठाकुर जी की चरणामृत है, ठाकुर जी की चरणामृत, शंकर जिसको जटा में शंकर जी धारण किए है, इतने पवित्र है। देखा पास में ये गंगा नदी बह रही थी, वो गंगा में हवा लगते हुए वो हवा जितने दूर तक जाए, जिसको शरीर में स्पर्श करना उसको शरीर को पवित्र, मन को पवित्र कर देती है, ये गंगा में इतने शक्ति ये गंगा नदी में है। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, अब ध्यान देकर सुनो ये गंगा की कितने पवित्रता है। एक समय में एक गुणिनी, गुणिनी जानते जो ओझा, जो भूत प्रेत को जो छुड़ाने वाले, एक दिन वो जा रहा था, रात में देखा कि जंगल में कुछ भूत लोग बैठी करके वहां पर बैंड पार्टी बजा बज रही थी, और वहां पर शादी थी, हैं वो शादी करने के लिए बैंड पार्टी बजा बज रही थी। उसने एक वो भूत छुड़ाना मंत्र जानता है, उसने एक भूत को बुलाया, बोले इधर आओ, बोले क्या बात है यहाँ पर जो बैंड पार्टी बाजा बज रही है, वो शादी के लिए सब तैयारी क्यों हो रहा है। उसने कहा देखो हमारा पास में एक लड़की शादी होने से पहले मर गई, मर गई तो अभी वो प्रेत बन करके
उसको अपन मृत्यु से मरी, इसलिए वो प्रेत बन करके आए। अभी वो मुहारी अभी शादी नहीं हुई। बोले तुम लोग क्या शादी की तैयारी कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले किसको साथ में शादी होगी? बोले कल दोनों साढ़ों में लड़ाई हुई। लड़ाई होते समय एक नवजवान वो दोनों साढ़ों को छुड़ाने के लिए जाएगा। वो दोनों साढ़ बड़े क्रोध में रहेंगे। जब वो छुड़ाने के लिए जाएंगे, वो साढ़ ने इतने जोर से मारेगा उसको पेट को ही फाड़ देगा, वहीं पर कल मृत्यु होने वाले। इसलिए कल मरेगा अपन मृत्यु से मरेगा, इसलिए कल मर करके आएगा तो कल ये जोड़ी की शादी होने वाली है। देखो ये भूत को पहले से जाने पता बात बता। वो उसको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। उसने पता भी लगाया सचमुच से दूसरे दिन दोनों साढ़े में लड़ाई हुई और एक नवजवान ने छुड़ाने के लिए गया तो इतने जोर से साढ़ मारा तो वहीं पर अपमृत्यु हो गई। बात देखा सही निकला। फिर दूसरे दिन उसी रात में जा रहा था, देखा जितने भूत बैठ करके रो रहे थे। उसने वो भूत को बुलाया, इधर आओ। बोले क्या बात है? कल तो बैंड बड़ी बजा बज रही थी, बड़े धूमधाम से शादी की तैयारी हो रही थी, आज रो रहे क्यों? बोले एक अनहोनी हो गई। बोले क्या अनहोनी हो गई? मैं तो पता लगाया वो मरा है। बोले जो साढ़ देखना जब उनकी सींग में खुजली मचती है वो मिट्टी को कुतरती है, मिट्टी को कुतरती है। वो गंगा किनारा में वो मिट्टी को साढ़ मिट्टी को कुतरते कुतरते उसको उसको सींग में वो गंगा की थोड़ा रज लग गया था, गंगा की थोड़ा धूल लगा हुआ था। वो साढ़ ने जब वो नवजवान को मारा, मारते ही चुकी गंगा की जो थोड़ी सी धूल रज था वो व्यक्ति को स्पर्श होते ही वो प्रेत क्या बनेगा? सीधा वैकुंठ चला गया। सीधा उसने वैकुंठ चला गया। अब लोग देखे ना, जब कोई भी व्यक्ति मृत्यु का समय आता है उसको मुंह में हम गंगा पानी देते हैं, क्यों? ये गंगा पानी भगवान की चरणामृत है, ये गंगा पानी स्पर्श होते उसको मुक्ति मिल जाती है, इतने ये गंगा नदी की पवित्रता। इसलिए यहाँ पर श्री गंगा नहर रूप में श्री गंगा बह रहे हैं। केवल गंगा नहीं, यहाँ पर पास में यमुना नदी भी है। ये यमुना नदी भी, ये यमुना कौन है? बोले कृष्ण की पटरानी है, कृष्ण की सखी है, हैं? कहते राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर बहती है ये यमुना महारानी। बोले श्री यमुना महारानी की। इसलिए बराहा पुराण में बताया गंगा में जितने पवित्रता है, गंगा में जितने पुण्य है उससे 100 गुण ज्यादा पुण्य ये यमुना में, ये पास में यमुना बह रही है। केवल इतना नहीं, ये पास में पंच पांडव का स्थान है नहीं, पंच पांडव का स्थान भी यहाँ पर है। कि जहां पर पंच पांडव कृष्ण की ये परम भक्त थे, जहां पर गए वो स्थान पवित्र हो गया। इसलिए ये जो स्थान है अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थान। तभी साधु लोग यहाँ पर आए हैं, तभी आप लोग भगवान का भजन में लगे हो। कंठी तिलक माला जो पहने है ना, देखो ये कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं, बोले हे अर्जुन एक जन्म नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य उदय होने पर तभी कोई भगवान की भक्ति मेरी भक्ति करता है। इसलिए सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सोपी महामुने, करोड़ों करोड़ों में कोई एक बिरले होते हैं जो मेरी भक्ति करने वाले। और जोर कितना बिरले हुए बताओ, कितना तुलसीदास हुए, कितने हनुमान हुए हैं, हाथ में गिनोगे तो उनका नाम आएगा। इसलिए आप लोग जो बड़ोत में इतने व्यक्ति जो वैष्णव है, गले में कंठी माला तिलक पहन रहे हो, एक भक्त अगर जगत में जन्म हो, कहते कुलम पवित्रम, उनको एक ही पीढ़ी उद्धार हो जाता है। स्वर्ग में पितृपुरुष लोग नाचने लग जाते हैं, वो पृथ्वी धन्य हो जाती है, हैं? इतने लाभ है एक भक्त कहीं जन्म लेकर के प्रभु की भक्ति करने का। और आप यहाँ पर बड़ो तो इतने भक्त, इतने भक्ति गले में कंठी माला तिलक लगाए हो, समझो करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य से तभी आप लोग की भक्ति में आए हो। नहीं तो शंकर जी कहते पार्वती सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा, इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यवान हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे प्रभु जी अभी एक भजन गाएंगे, इसको बाद में हमारे से बंसुवदन प्रभु आज आपको भागवत कथा की महिमा सुनाएंगे। ठीक है प्रभु जी, अभी एक भजन गाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, बहुतों को तो नींद भी आ रही होगी, इसलिए सभी लोग दो मिनट राम नाम की धुन गाएंगे प्रेम से। अरे राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मुझे तो डर लगा, मैंने कहा कि ये क्या हुआ, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तलवार क्यों दिखा रहे हो तुम, कहा तो मैं बंद कर दूं भजन। बोले नहीं तुम्हें नहीं दिखा रहा हूं, तुम तो गाओ लेकिन तुम्हें जो बुलाया है उनको ढूंढ रहा हूं, इसलिए सभी लोग गाएंगे प्रेम से हमारा साथ देंगे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, ओ बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम जय जय।
आप लोग भजन बहुत सुने हैं, लेकिन कलयुग का भजन कोई सुने हैं? सुने हैं कोई? हम कलयुग में विचरण कर रहे हैं, लेकिन कलयुग का एक भजन है, देखिए इसमें खासियत क्या है। दोनों गाएंगे। अरे कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये देखो कैसी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये देखो कैसी गंगा बहा रहा है। पहले एक ही रावण था और एक ही सीता थी, लेकिन क्या हुआ कलयुग में उल्टा। अरे पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में का कुत्ता, सेठ जी का कुत्ता क्या खा रहा है? राबड़ी खा रहा है। अरे सेठ जी का कुत्ता राबड़ी खा रहा है, अरे कलयुग ये कैसी कुल्फी गंगा बहा रहा है, कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा है। इसके साथ आप लोग भी हैं क्या? लेकिन यहाँ बड़ौद के लोग कोई नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, सभी तो हरि नाम में आए हैं। अच्छा तो फिर बताया है कि वृंदावन कौन कौन जाएंगे? बस इतना मत्था मर रहा हूं मैं, बताइए कलयुग का भजन सुनाए है? सब लोग हाथ नहीं उठाए क्योंकि डर लग रहा है, मुझे पता नहीं कहां ले जाएंगे। कौन कौन जाएंगे वृंदावन भाई? अच्छा वृंदावन कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं आप लोग बताएं? कोई गए है कि नहीं वृंदावन? कौन कौन गए हाथ उठाए? अच्छा आप लोग गए तो आप लोग जाके देखे होंगे गिरिराज जी में कैसे जाते हैं, नाचते कूदते भय कीर्तन करते भय जाते हैं कि नहीं? तो आइए सब लोग खड़े हो जाए, एक बार बहुत देर से बैठे हैं, नृत्य करना पड़ेगा और वृंदावन जाना पड़ेगा। ओ वृंदावन धाम अपारे रे जा रहा मेरा से तेरे वृंदावन हरे
आज कुछ लोग नाच रहे हैं, कमियां थक गई है, बहुत आदमी है। चलो कोई बात नहीं, ठंडी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए सभी लोग एक बार हाथ निकाल लीजिए, चादरिया में से जो भी चादर निकाल, आज हाथ निकाल ले, जरा हाथ निकाल करके ऊपर उठाए, और ऊपर उठाकर आपको क्या बोलना है, आवाज नहीं आ रही, आज व्रत है, आज व्रत है क्या? कोई व्रत नहीं, तो फिर क्या बात है, तीन चार बार तो आराम से ठूस ठूस के खाए हैं। अरे भाई ताली एक बार सभी लोग हाथ उठाए, जोर से क्या बोलना है, अरे प्रेम से बोलो, और जोर से, हाँ प्रेम से बोलेंगे सभी लोग हाथ उठाकर, प्रेम से बोलो, गौरद्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना विज्ञाय राधेतं नयमां चरणांतिकं जं प्रप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मतया सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि भक्त्या विहेन अपराधलक्ष्ये चित्ताश्च कामान्दितरङ्गमध्ये कृपामयीकं शरणं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य दयाल प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सब बोलिए बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणाकारिति गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभ गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः षड गोस्वामी पाद रसिकाचार्य वर्ज महामोपाध्याय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल में दंडवत प्रणाम कर उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित व्यासासन में विराजित पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं सबके चरण में अधम का यथाजथ प्रणाम स्वीकार। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े भाग मनुज तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा।
वो जीवात्मा सौभाग्यवान है जो जीवात्मा को कलि युग में भारत भूमि में एक मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन ये मनुष्य शरीर केवल मिलना बड़ी बात नहीं है, अगर उसी जीवन में साधन भजन किया नहीं, साधु संग हुआ नहीं उनका जीवन में, तो मिला तो मिला लेकिन भाग्य का कुछ उपयोग हो नहीं पाया। तो सद्भाग्य का सत उपयोग वही है, मनुष्य जन्म प्राप्ति करने के बाद साधु संग में बैठ करके भगवान की कथा को सुनना, शुद्ध भक्ति जाजन करना। इसलिए आप लोग अति सौभाग्यवान, इसलिए कि मनुष्य जन्म तो मिला और बड़ी बात वही है साधु संग में बैठ करके कथा सुनने के लिए मिल रहा है, और विशेष करके भागवत की कथा। हम लोग का मन में प्रश्न होता है कि भागवत तो होती है, अभी हम लोग उसी समय आए थे, कितने लोग आते हैं भागवत करके जाते हैं, लेकिन क्यों करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं धर्म जाजन करते क्यों? हाँ, हमारे मन में एक धारणा बैठा हुआ है, धर्म जाजन करना मतलब पाप को मिटाना और पुण्य कमाई करना, पाप की गुठली को तोड़ो और पुण्य का गठली को भरो। लेकिन वास्तव में हम लोग जो भागवत कथा भी सुन रहे हैं और भागवत कथा कह रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं हम लोग भी केवल धर्म मतलब कि पाप को मिटाना चाहते और पुण्य को बढ़ाना चाहते, नहीं है, दिखाई दे रहा है एक ही जैसा, टेंट तो वही टेंट वाला लगाया, साउंड भी वही लगाया, पंडाल भी ऐसा ही है, कथा भी ऐसे ही सुनाई दे रहा है, तो अलग क्या है? नहीं, अलग है, हम लोग वैष्णव की मुख से भागवत की कथा सुनना उसमें अलग है। क्या अलग है? पाप मिटाने के लिए हम लोग नहीं आए या पुण्य भरने के लिए नहीं आए। अगर किसने भागवत कथा सुन करके पाप को मिटाया, 3 कदम पाप को मिटाया और 4 कदम की पुण्य तक बढ़ गया, तो समझ लो भगवान से उन्होंने 5 कदम पीछा। 2 कदम अगर पाप मिटाया, 3 कदम पुण्य की ओर बढ़ गया, तो समझ लो भगवान से उन्होंने 5 कदम पीछे हट गया। तो अगर भागवत करके, भागवत सुन करके कोई अगर ये इच्छा किया हमारे पाप मिट जाए और पुण्य कमाई हो जाए, तो समझ लो पाप तो मिट गया और पुण्य आ गया, लेकिन तुम भगवान से 5 कदम पीछे हट गए। लेकिन वैष्णव जो कथा सुनाते हैं, हम लोग जो वैष्णव से कथा सुनते हैं, उसके द्वारा ना 2 कदम हमारे पाप घटता है या 3 कदम पुण्य बढ़ता है, उल्टा नहीं, भगवान के ओर एक एक कदम हम आगे बढ़ते, दूर नहीं हटते, आगे बढ़ते। आप बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आया महाराज जी, पाप घटेगा नहीं, पुण्य बढ़ेगा नहीं, भगवान की ओर बढ़ेंगे, क्या मतलब? हाँ, मतलब वही है। देखो, हिरण्यकश्यप भी तपस्या कर रहा था 60,000 साल, कितना साल? 60,000, एक अंगूठी पर खड़े होकर के, वृद्ध अंगुल के ऊपर दोनों हाथ ऊपर उठा करके, नभो दृष्टि, आसमान को दृष्टि था, कोई भी देखेगा, ब्रह्मा जी भी बोले तुम्हारे जैसा तपस्वी न भूतो न भविष्यति, मुझे जितना लोग तपस्या करके संतुष्ट किए थे उसे तुम पहला नंबर हो,
ऐसा ना पहले कोई था ना आगे कोई होगा। अभी तो प्रश्न आता, अभी तो हमारे समझ में सचमुच आ रहा है हिरण्यकश्यप जैसा साधु जगत में और कोई है ही नहीं। देखा जाए तो सही बात है ना, लेकिन वास्तव में बाहर को दिखाई देता है साधु जैसा पूरा तपस्या किया, लेकिन अंदर की अगर भावना देखा ना जाए तब पक्का निर्णय नहीं होगा। लेकिन उनके अंदर में झुक करके थोड़ा देखो, हिरण्यकश्यप किस लिए तपस्या कर रहा था? भगवान की विरोध करने के लिए, भगवान की विरोध करने के लिए। तो इसलिए हिरण्यकश्यप का जो तपस्या बाह्य दृष्टि से दिखाई देता है साधु जैसा, लेकिन ये वास्तव में साधुता यही नहीं। इसलिए दूसरे लोग जो भागवत करते हैं उनका उद्देश्य वही रहता है, राम नाम सुनो, कृष्ण नाम बोलो और पाप तुम्हारे मिट जाएगा और पुण्य कमाई हो जाएगा। लेकिन वैष्णव जो भागवत कथा करते हैं उसमें हम लोग पाप मिटाने के लिए नहीं, शुद्ध भक्ति जाजन करने। ऐसे तो रास्ता में कोई जा रहे तो भी हरिनाम संकीर्तन कान में सुनाई पड़ गया तो उनका पाप मिट जाएगा, लेकिन वैष्णव रूप से कथा सुनने से शुद्ध भक्ति जागरण होगा। शुद्ध भक्ति जागरण होगा मतलब भगवान के अनुराग बढ़ेगी, कृष्ण नाम में रुचि होगी। इसलिए देखना ये दो चीज अंतर है। अगर दूसरा कोई गांव में कोई दूसरा कोई कथा कर रहा है, कोई ब्राह्मण जिनका अंदर की भावना है हमारे कमाई भी हो जाए और लोगों का पाप भी मिट जाए, तो उसके द्वारा देखना कोई आदमी मांस मछली छोड़कर के प्याज लहसुन छोड़कर के हरिनाम नहीं कर रहा होगा। लेकिन वैष्णव की कथा जब सुने तब हम लोग ये काम करना शुरू कर दिया, मनुष्य जीवन की दुर्लभता समझ में आया, भागवत सुनने की क्या आवश्यकता समझ में आया। चाहे वही भागवत है तो भक्ति करने के लिए इच्छा प्रकट हुई, ब्रजमंडल परिक्रमा हमको करना है, हर क्षण समय मिला तो हरिनाम करना है, भक्ति करने के लिए इच्छा प्रकट हो गई, अंदर में भक्ति देवी आ गई, ये वैष्णव के मुख से कथा श्रवण करने का फल है। इसलिए आप लोगों का जो ये सद्भाग्य है, ये जो भाग्य उदय हुआ है, कोटि कोटि जन्म का सुकृति का फल है। दूसरे लोग भागवत कथा कीर्तन करे तो उनके द्वारा भगवान बंधन में आए, बड़ा मुश्किल है। लेकिन वैष्णव की मुख से कथा श्रवण करे तो भगवान जरूर बंधन में आ जाते हैं। भगवान का बंधन में आते हैं, भगवान छोटी वस्तु नहीं है, सच्चिदानंदमय वस्तु है, चिन्मय वस्तु, अप्राकृत वस्तु। और भक्ति महारानी, जीव भी साधारण है, ये जीव भी एक छोटे अणु चैतन्य, वो भी सच्चिदानंद मय तो है, जीवात्मा शुद्ध रूप में। और भक्ति जो है वो भी सच्चिदानंदमयी। अगर जीव का हृदय में सच्चिदानंदमयी भक्ति नहीं आई, प्रकट नहीं हुई, तो भगवान को बंधन में लाना इतना आसान नहीं है। तो ये जो हम लोग भागवत सुन रहे हैं, ये भागवत सुनने का फल है भगवान की वश में कर देना। और ये सामर्थ्य केवल भागवत में ही है। मैं बता रहा था ना, दूसरा कोई साधन उनको कोई सुनने से केवल फल नहीं देता है, पढ़ने से केवल फल नहीं देता है, क्रिया को साधन करने से फल देगी। लेकिन भागवत ऐसा साधन है केवल सुनने मात्र से ही सत्य फल प्रदान करती है। परीक्षित महाराज का उदाहरण है, सारी काम करने के बाद केवल भागवत की कथा श्रवण के श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के मुख से तुमका जीवन में सारी
जीवन में हृदय में भक्ति संचारित हुई और भगवान बस में आ गए। ऐसे परीक्षित महाराज की उदाहरण के अनुसार हमारे ये समझ में आता है कि भागवत भक्तिमय ग्रंथ है। इसलिए भागवत ग्रंथ जब कोई पाठ करे, कोई श्रवण करे, वैष्णव के मुख से सुने तो उनका हृदय में भक्ति महान प्रकट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि पहले जितना ग्रंथ था, आगे जाकर के जितना ग्रंथ है, अभी जितना ग्रंथ विद्यमान है, सारी ग्रंथ में चक्रवर्ती है श्रीमद् भागवत महापुराण। जितने सारी पुराण व्यासदेव जी ने रचना की, उपपुराण, पुराण, सारी पुराण में पुराण की सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण, और जितने सारी शास्त्र है उनमें शिरोमणि श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए भागवत महापुराण सम्राट, ग्रंथ चक्रवर्ती और शास्त्र शिरोमणि, ये भगवान से प्रकट हुए हैं। भगवत इदं भागवतम, भगवता प्रोक्तम नाम भागवतम, भगवान के द्वारा कहा गया, भगवान से आए, इसलिए ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवतम। गतिशा अलौकिकी तरणी च भवांबुधो, महाराज जी बता रहे थे ना, ये गति अलौकिक गति प्रदान करते, अलौकिक मतलब यह लौकिक गति, मतलब इसी ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक के अंदर की जो गति है ऊर्ध्व गति, लेकिन ये तो साधारण साधारण ग्रंथ से मिल जाएगा। अलौकिक गति मतलब गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा करने की जो सुजोग प्राप्ति, ये गति अलौकिक, ये भागवत ग्रंथ के द्वारा आती है। लेकिन किसको मिलेगा? जिनका कथा सुनने में अभिष्टता है। कथा तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा लाभ नहीं उठा पाते सब लोग। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि कथा सुनने में अगर अभिष्टता नहीं, तब कथा सुनने में रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमारे एक महाराज जी थे श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी, पूर्वाश्रम में रहने के समय कलकत्ता में रहते थे। और नौकरी करते थे, लेकिन उसी समय वैष्णव चूड़ामणि श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के मुखारविंद से कथा सुनने के लिए 4 किलोमीटर पैदल आते थे चलते चलते, लेकिन कथा के टाइम हो जाता था। नौकरी से जब से वापस आते थे, दौड़ दौड़ करके जाना पड़ता था, बहुत स्पीड में। एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने कथा में जा करके पहुंच गए, बूट को शूज को निकाल दिए, जाकर के जब बैठे कथा सुन रहे, दूसरे लोग को देख करके बोला कि भाई, अरे भाई साहब, आपकी ये पैर में ब्लड कहां से आ गया? तो उनको पता चला, अरे ब्लड है, कहां से ब्लड आया? तब जब देखा, उन्होंने जो शूज पहन के रखा था, अंदर में वो बिच्छू होते हैं जो डंक मारता है, बिच्छू, अंदर बिच्छू रह गया था, और पूरा शूज के अंदर भी ब्लड है। उन्होंने घर से निकले, शूज पहन करके गए कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए बैठे, दूसरा आदमी जब बताया तब पता लगा कि बिच्छू काट दिया, ब्लड निकल रहा है, लेकिन रास्ता तक काटते गया बिच्छू, लेकिन उनको पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? मन की अभिष्टता कहाँ थी? कथा सुनना है, कथा सुनना है, टाइम हो गया, तब जाके उनको रिजल्ट की अभिष्टता होती है। अभिष्टता उसको कहते हैं कि मन एक जगह आवेश हो जाए, प्रवेश हो जाए। अगर आवेश नहीं हुआ तो भजन में प्रवेश भी नहीं होगा।
तो आवेश हो जाए तो दूसरा जगह से मन हट जाता है। शरीर को कितना देहाध्यास निवृत्ति हो जाती है, कितना पिच्छू काटता है तो भी पता नहीं चलता, उसके द्वारा रिजल्ट मिलता है। परीक्षित महाराज जी जैसा अभिष्टता में थे, कैसा 4 दिन व्यतीत तो हो गया, दिन रात 24 आवर्स सुन रहे हैं, वहां पर छुट्टी नहीं था, या 4 बजे शुरू होगी 7 बजे खत्म होगा, ऐसा व्यवस्था नहीं था। थे भी ऐसा लोग सब, परीक्षित महाराज जी घर बार छोड़ करके प्राय वेशन में आए, और साधु लोग भी, साधु लोग तो है ही कुछ भी काम धंधा नहीं है, बस आए कथा सुने। लेकिन हमारे बाबा ऐसा नहीं होगा, हम तो 3 घंटा के लिए आए तो 4 बार घड़ी देखते कब छुट्टी होगी, बोल करके लाए थे भाई, घर में बुलाए थे 3 बजे से आ जाओ, 7 बजे छुट्टी होगा, 7:30 बजे गया, छुट्टी होने का नाम ही नहीं, सारी नहीं, कब जाएंगे। लेकिन अभिष्टता वही है, दूसरा चीज में ध्यान ना आए तब जाके कथा के फल बड़ा मधुरता के साथ मिलते, विशेष करके भक्ति होती है। कथा श्रृणवतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ही अभद्राणी विधुनोति श्रोत सताम, कि अगर कथा को कोई सुने तो उनके अंदर में रहने वाला अभद्र अनर्थ अपराध दूर हो जाती है, और उसके बदले में भक्ति की जो आत्मा की जो वृत्ति, देखो 2 वृत्ति 3 हमारे शरीर है, एक है शरीर, क्या शरीर, स्थूल शरीर जब हम देखते हैं मिट्टी पानी हवा अग्नि आकाश में बना हुआ, दूसरा है सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, और तीसरा है हमारे अपना स्वरूप आत्मा, ये 3 का वृत्ति है। जागतिक लोग एक है इंद्रिय का वृत्ति जो शरीर का वृत्ति है, ये देहाध्यास है देह का वृत्ति है, और दूसरा है अंदर बीच वाला कनेक्टर जो आत्मा और उस शरीर को कनेक्ट करता है मन, और आत्मा है की वृत्ति है सेवा वृत्ति आत्मा, मन इसलिए मंत्र लेते हैं गुरुदेव से, मन मन को मंत्र लेते हैं, मंत्र किसको कहते हैं, मननात त्रायते इति मंत्र, मन को रक्षा करता है मन को सुरक्षा देती है, क्या मन मर रहा है रक्षा करेगा, मर रहा है क्या, हाँ मर रहा है, नहीं क्या मर रहा है, कहाँ मर रहा है, मन कनेक्टर है देह वृत्ति में कनेक्टेड है, और मंत्र अगर कोई हरि नाम जप करे भगवान की नाम कृष्ण मंत्र जप करे ब्रह्म गायत्री जप करे तो ये मन जो मर रहा था जड़ इंद्रिय के साथ ये आत्मा वृत्ति में आ जाएगी, भगवान की ओर आएगी, भगवान में लग जाएगा, आत्मा वृत्ति में कनेक्टेड हो जाएगा। इसलिए मन मर रहा है उनको उद्धार करने के लिए त्राण करने के लिए यानी शरीर वृत्ति से हटा करके अभिष्टता होना पड़ेगा, करेगा किसमें, आत्मा वृत्ति में, ये मंत्र है। इसलिए भागवत भगवान में है सच्चिदानंदमय चिन्मय वस्तु, मंत्र है चिन्मय वस्तु, भागवत है चिन्मय वस्तु, लेकिन मन जड़ है शरीर के साथ लगा हुआ है, लेकिन वो कनेक्टर है मन, लेकिन अगर आत्मा वृत्ति में लग जाए यानी भागवत सुनने में लग जाए तो उनके मन में भक्ति जागरण हो जाएगी, और धीरे 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 उनके अंदर भगवान के प्रति अनुराग बढ़ेगी, भक्ति आगे बढ़ जाएगी। तो जैसे भी हो इसलिए ये भागवत सुनने के लिए जो सुजोग हम लोग को मिला है ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो महाराज जी भी बता रहे थे भागवत ग्रंथ ऐसा है अमृतमय ग्रंथ है, ये जगत में जितने सारी वस्तु है ये सब मृत है, मर्त्य जगत है, सब लोग भी मरते हैं, लेकिन भागवत इसी जगत का वस्तु नहीं होने के कारण अमृत है, भगवान के नाम ये भी अमृत है, उसी जगत से आया है इसलिए वो भी अमृत है,
जितने सारी वस्तु गोलोक वृंदावन से वैकुंठ से आए उसी जगत से आए, इसी जगत में ये सारी वस्तु अमृत है। लेकिन दूसरा अमृत प्राप्त भी होता है, स्वर्ग का अमृत, इसी जगत का। ये अमृत पान करने से तो दो चार दिन ज्यादा बच जाएगा, दीर्घजीवी बन जाएगा। लेकिन भागवत की जो अमृत है, अगर उसी अमृत को कोई पान करे तो उनके अंदर दिव्य जीवन यानी भगवान भक्ति करने के लिए सुजोग उनके पास आ जाएगा। ये साधारण जो अमृत है, ये अमृत पाप को नष्ट कर दे, पुण्य को हरण कर लेगा। लेकिन भागवत की कथा अमृत ऐसा है, ये पाप को आपका हरण कर लेगा। भागवत इसलिए अमृत है, और ये अमृत को कोई पान करे उसको जागतिक अमृत को पान करने में तृप्ति आ जाती है। दो बार पिए, चार बार पिए, देवता लोगों को भी तृप्ति आ जाती है, बस हो गया। लेकिन भागवत की अमृत कोई पान करे, वयम तु न वितृप्यामो उत्तम श्लोक विक्रमे, ये तृप्ति नहीं आएगी, अतृप्ति संपत्ति हो जाएगी भागवत भक्ति कथा सुनने में। क्योंकि तृप्ति तब आता है, जैसा गन्ना को चूसो तो गन्ना से रस खत्म हो जाएगा तो तृप्ति अपने आप आ जाएगी। लेकिन भागवत में ऐसा रस है, रसो वैसह भगवान, रसो वैसह उनके कथा, उनके नाम उनके अंदर होने के कारण, उनका गुण उनके अंदर होने के कारण ये भगवान रस स्वरूप है। तो भागवती रस स्वरूप ही हो जाता है, उसमें रस कभी खत्म होता नहीं, तो तृप्ति आने का सुजोग ही नहीं। इसलिए वयम तु न वितृप्याम, और हमारे दूसरा तृप्ति कैसे आएगा? कोई आदमी भोजन पान कर रहा है, भोजन कर रहा है तो उनके अंदर जो पेट अगर भर गया तब तो तृप्ति आ जाएगा, बस हो गया, अलम बुद्धि, और तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई, हम तो पेट में नहीं भरे, पीवत भागवतम, पियो लेकिन किसमें? कान के द्वारा। इसलिए कोई साधु बता रहे थे, कान तो सुनने वाला जो चीज जो है अंदर है, सुनने का सारी सामान जो है तो अंदर है। कोई अगर कान ऐसा कट जाए, बाहर का जो वस्तु है, तो क्या सुनाई नहीं देगा उनको? सुनाई देगा। तो भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? क्यों बनाया? बाहर में पात्र जैसा पूरा दना बनाया। क्यों दना बनाया? दना जैसा क्यों बनाया? भर भर के पियो। क्या पियो? भगवान की कथा। और एक कान में नहीं, दोनों कान में भी पियो, दोनों तरफ कथा को पियो। कान है आकाश तत्व, आकाश का आदि नहीं, अंत नहीं। तो उनको कोई सुने तो भरना प्रश्न उठता ही नहीं, तृप्ति कैसे आएगी? अगर जो आस्वादनीय वस्तु है उसमें रस खत्म होने वाला नहीं, और पान करने वाला जो वस्तु अगर आकाश तत्व हो, कर्ण शब्द जिनका गुण है, वो कभी भरेगा नहीं, तो तृप्ति कैसे होगी? तृप्ति होने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए समझो, जिनके अंदर भागवत कथा सुन करके तृप्ति आ गई, समझ लेना चाहिए उन्होंने भागवत सुनाई नहीं। लेकिन जिनके अंदर तृप्ति नहीं आया तो समझ लेना चाहिए वास्तव सुनने का क्रिया उनका ही साधित हुआ। इसलिए भागवत की कथा बड़ा मधुर है, बड़ा अमृत है, लेकिन सुनने वाला ऐसा होना चाहिए और सुनाने वाला भी ऐसा होना चाहिए। इसलिए भागवत के जो सुनाने वाला सुखदेव गोस्वामी पाद, उन्होंने माता की गर्भ में भगवान को दर्शन किए, और भागवत सुनने वाला जो श्रोता परीक्षित महाराज, वो भी भागवत को गर्भ अवस्था में भी भगवान को दर्शन किए। दोनों महाभागवत, भागवत की जो वक्ता वो गर्भ में भगवान की दृष्टा, और भागवत की जो श्रोता
वो भी भगवान की दृष्टा गर्भ अवस्था में। तो इसलिए दोनों का श्रवण और कीर्तन, एक कीर्तन करते हैं और एक श्रवण करते हैं, तो दोनों के अंदर तृप्ति पर कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए भागवत की बड़ी महिमा है। इसलिए कोई अगर भागवत सुने, जैसा चतुसन सुना रहे थे, नारद जी सुने, तो महाराज जी से कथा हम लोग सुने हैं बार बार, दुंदुकारी का उद्धार हो गया। गोकर्ण महाराज जी सुनाए भागवत, दुंदुकारी का उद्धार हो गया। चतुसन भागवत सुनाए, नारद जी का कल्याण हो गया, भक्ति देवी का उद्धार, भक्ति देवी का मंगल हो गया, ज्ञान वैराग्य का मंगल हो गया और गरुड़ जी का भी मंगल हो गया। काकभूषणी भागवत सुनाए, शिव जी शंकर जी भागवत सुनाए, पार्वती देवी का मंगल हो गया। लेकिन विडंबना वही है, हम लोग भागवत सुन रहे हैं, हमारे मंगल नहीं हो रहे, हो रहा है। जितना अनुपात में हमारे श्रवण की क्रिया होती है, उतना अनुपात में हमारा हो रहा है। सुनते तो है ही, लेकिन कथा में अगर आविष्टता नहीं है तो ज्यादा रिजल्ट नहीं होगा। तो इसलिए सुनने के लिए तो एक जरूरी काम है, क्या है? आवेश। आविष्टता किसको कहते हैं? आविष्टता किसको कहते हैं? अगर इसके अंदर कोई सांप आ जाए, कोई सांप आ जाए, तो सब लोग का नजर कथा में जाएगा कि पूरा सबका नजर किसके ऊपर जाएगा? सांप के ऊपर। और उसी समय कोई जेब कतरा अगर पीछे से पैसा हड़प करके ले जाए, पता चलेगा? तो पता चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि सांप में हमारे अभिष्टता है, नजर है। अभी कथा सुनने के लिए कोई अगर ले, पता चलेगा कि नहीं? पता नहीं चलेगा, पूरा पकड़ करके दो थप्पड़ लगाएगा कि पता ही चल जाएगा, क्योंकि हमारा अभिष्टता है ही। कथा सुनने के लिए इसलिए अभिष्टता होनी चाहिए। तो कथा सुनने के लिए तो अभिष्टता जरूरी है और सुनेंगे भी। ये जो भागवत ग्रंथ हम सुन रहे, हमारे गुरुपाद पद्म बता रहे थे, भागवत ग्रंथ ये कभी बताया नहीं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। महाराज जी भागवत में तो ये श्लोक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हाँ भागवत कृष्णस्तु भगवान स्वयं यद्यपि लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी भागवत की प्रतिपाद्य विषय कृष्णस्तु भगवान स्वयं केवल नहीं है। भागवत की प्रतिपाद्य विषय ये है कि कृष्ण जब राधा रानी से चरण कमल में बैठ करके कहती है, गोपियों के पास कहते हैं कि हे गोपियां, आप लोग का मैं ऋणी रह गया, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्रेम करते हो, मैं चाहने पर भी आप लोग का ऋण चुका नहीं पाऊंगा, चाहे ब्रह्मा जी के जैसा आयुष्य मुझे मिल जाए, लेकिन तुम लोग अगर मुझे अरुणी बना दे कृपा करके, तब जाके मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। यानी गोपी प्रेम की प्रतिपाद्य विषय भागवत का धर्म है। भागवत की प्रतिपाद्य विषय वही है कि गोपी प्रेम की प्रतिष्ठा, गोपी प्रेम की महिमा। इसलिए हमारे चक्रवर्ती भागवत ने बताया कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधू वर्गेण जा कल्पिता। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परिरीश्वरः सत्य हृत्य अवरुध्य तत्र कृतिवे सुस्त्र सुविस्तक्षणा। भागवत वही बताते हैं कि आराध्य भगवान कृष्ण, लेकिन वो जो वशीभूत होते उनका जो विधान है अभिधेय भक्ति, ये है गोपियों का प्रेम। और वही प्रेम का प्रमाण वही है श्रीमद् भागवतम, आराध्य भगवान, लेकिन आराधना है गोपी प्रेम। अगर ये दोनों प्रतिपाद्य विषय नहीं हुआ तो भागवत सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए हम लोग जो सुनते हैं, ये दोनों वस्तु हमारे अंदर में
ये दोनों वस्तु को रोजगार कर लेना चाहिए, कमाई कर लेना चाहिए। श्री चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के आदर है, तत्र आदरो न पर। इसलिए हम लोग भागवत की आज उपक्रम तिथि है, समय भी हुआ है, तो महाराज जी आप लोग को 5 मिनट अंतिम पर्याय में कुछ सुनाएंगे और काल से हम लोग फिर भागवत की कुछ कुछ मधुर मधुर कथा को श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। प्रसाद बन गया, भोग लगा जी। हरे कृष्णा। हाँ, अब लोगों ने भागवत कथा की महिमा को श्रवण किया है। कहते भागवत कथा की महिमा दो पुराण में आती है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण। पद्म पुराण में जो कथा आती है उसमें दो कथा आती है। एक कथा आती है कैसे ये ज्ञान वैराग्य नारद जी जब सारा दुनिया में उन्होंने घूमे लेकिन उनको संतोष नहीं मिली, उनको शांति नहीं मिली। लेकिन जब उन्होंने भ्रमण करते करते श्री वृंदावन धाम में आए और उन्होंने देखा वृंदावन धाम ये राधा रानी के हृदय श्री वृंदावन धाम के और कोई नहीं। वृंदा मतलब होता है तुलसी, वन मतलब जहां तुलसियों का वन है, वृंदा मतलब होता है भक्त वृंद, अवन मतलब अगर कोई वृंदावन धाम में भक्ति करने के लिए आए राधा रानी जिनको पावन करती है। इसलिए आप वृंदावन में जाओ किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कोई नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं वृंदावन? राधे राधे। जोर से बोला राधे राधे। और जोर से राधे राधे। वृंदावन में सब श्री राधा जी के नाम लेते। बोले क्यों? बोले हमारी ब्रज के रखवाले कन्हैया श्री राधिका रानी। राधा रानी बड़ी दयालु। देखो कि छोटी सी कथा सुनो, राधा रानी कितने दयालु है। हम लोग वृंदावन में गए होंगे, कितना संत लोग घर घर में माधुगिरी, माधुगिरी मतलब रोटी सब्जी ले आते हैं और उसको खा करके दिन भर भजन करते हैं। एक दिन संत लोग ठीक दोपहर में जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, जिस समय में जाएंगे ठीक उसी समय में बड़ी जोर से आंधी तूफान आ गया। इतने जोर से मूसलाधार से बारिश होने लग गया, संत लोग और घर से बाहर नहीं निकल पाए। अभी घर में बैठ करके माला लेकर के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी बैठ करके भजन कर रहे इतने में राधा रानी का माँ माँ क्या करती है, जब तक बच्चों को नहीं खिला लेती है ना तब तो मैया कभी भोजन नहीं करती है। अगर बच्चा बिना खाए सो गया, जब तक बच्ची बच्चे को मैया नहीं खिलाती भोजन कर लेती है। अगर कोई बोल दे खा लो ना, लेकिन मैया कभी खा सकती है? कभी नहीं खा सकती जब तक बच्चों को खाना नहीं खिलाती। राधा रानी इस दुनिया की माँ श्री राधा रानी। अभी राधा रानी अभी सोच रही है जो मेरे नाम को ले रहे हैं दिन रात मेरी भक्ति में डूबे हुए और वो अभी भूखे हैं, मैं कैसे भोजन करूं? इधर क्या हुआ, राधा और कृष्ण दोनों दोनों को खबर पहुंचाए अमुक स्थान पर आज हम दोनों मिलेंगे। अभी श्री बांके बिहारी आ करके राधा रानी के लिए सुंदर उन्होंने कुछ सजाए। आज श्री किशोर जी आए कि राधा रानी आए, लेकिन राधा रानी आ ही नहीं रही। कृष्ण तो देख देख कर थक गए, कभी बाहर जाते कभी भीतर आते कभी बाहर जाते, चंचल हो गए। लेकिन इधर क्या हुआ, जब ये बारिश हो रही थी कोई संत बाहर जा ही नहीं पाए, राधा रानी ने अपना हाथों से सब्जी बनवाई, रोटी बनवाई, चावल बनवाई, दाल कढ़ी बना करके राधा रानी हर संतों को घर घर में गई।
और सारे संत को उन्होंने भजन करवाए और भजन करके आते आते हो गया लेट, लेट हो गया था। राधा रानी जब लेट में आई, इतने में कृष्ण तो मुंह मोड़ कर बैठे थे, बात नहीं कर रहे। इतने में राधा रानी कह रही है सखियों से, भैया ये महापुरुष आज मान क्यों कर रहे हैं? सखियों ने क्या मान नहीं करेंगे? ये बताओ तुम कितने बजे आई, बोली थी आने के लिए, अभी घड़ी देखो कितना समय हो रही है, इतने तुमने लेट क्यों की? राधा रानी कहती है श्याम सुंदर, कृष्ण गीता में एक प्रतिज्ञा किए हैं, कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा किया, बोले हे अर्जुन जो अनन्य रूप में एकांत रूप में मेरे को छोड़ करके और किसी को भक्ति नहीं करता है, मेरी भक्ति में जो सराबर हुए पूरा डूबे हुए हैं, मैं उनके लिए दो काम करता हूँ। पहला काम करता हूँ घर में जो चीज नहीं मैं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ, दूसरा काम क्या करता हूँ उसको जो वस्तु है मैं स्वयं एक चौकीदारी बनकर उसको रखा करता हूँ। कृष्ण का ये प्रतिज्ञा है। बोले श्याम सुंदर आप तो गीता में ये प्रतिज्ञा किए हैं तेरे भक्त को तुम पालन करोगे, लेकिन आज क्या हुआ तेरे को पता है? बोले क्या हुआ? बोले जिस समय तुम्हारे भक्त लोग माधुकरी करने जाएंगे, भिक्षा करने जाएंगे, उसी समय बड़ी तेज आंधी तूफान बारिश आ गई और तेरे भक्त लोग मैं देख रहा भजन कर रहे हैं भूखे में, प्रतिज्ञा तो तुमने गीता में की, तुमने प्रतिज्ञा की, अभी वो भोजन कौन खिलाएगा बताओ? मैं माँ हूं ना, इसलिए मैंने अपना हाथों से रोटी सब्जी बनाकर घर घर में संतों को खिला पिला कर मैं अभी आ रही हूँ। इतना सुनते ही कृष्ण का तो हृदय पानी पानी हो गया और राधा रानी के चरण में गिर पड़े, बोले हे राधे तुम तो जगत की माँ हो, तेरे को तो खिलाना पड़ेगा ना, मैया तो खिलाती है। इसलिए वृंदावन मतलब होता है वृंदा मतलब भक्त वृंद, अवन मतलब होता है जो भक्त वृंद को जो रक्षा करती है, जो खिलाती वो कौन? श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए ये वृंदावन धाम नहीं, ये राधा जी की हृदय है, कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने अपना हृदय को बिछा करके रखी है। इसलिए नारद जी ने सोचा थोड़ा मैं वृंदावन में चलता हूँ, वहां पर देखता हूँ क्या हो रही है। सारा दुनिया में तो कली कली प्रभाव विस्तार करके रखा, वृंदावन में देखा कैसे एक सुंदरी युवती जमुना किनारा में बैठी हुई, आस पास में कुछ सखियां उनको सेवा कर रही थी और दो वृद्धक ऐसे पास में लेट हुए थे, एक था ज्ञान और एक था वैराग्य। क्योंकि ये भक्ति के दो बच्चे हैं, एक ज्ञान है एक वैराग्य है। इतने में श्री नारद जी पूछे, बोले भैया ये तुम्हारी ये बेटे बेहोश होकर क्यों पड़े हुए? बोले नारद जी जगत का नियम है मैया होती है वृद्धा और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन मेरी दुर्भाग्य देखो तो सही, मैं माँ तो मैं युवती बन करके बैठी हूँ और मेरे बेटे कहा जवान होनी चाहिए, दोनों वृद्ध हो चुके हैं। बोले ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने कारण बताए, बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहब वृद्धि करना टकी गता कुचित कुचित महाराष्ट्र गुर्जरी जिन्नता मगता। देखो उत्पन्ना द्रविड़े साहब, तो द्रविड़ देश में तो मेरी जन्म हुई है, कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे आदर मिली, लेकिन गुजरात में आकर के मैं एकदम बुरी हो गई। बोले क्यों? गुजरात इतने नास्तिक देश था, कहीं भी भगवान की भक्ति करते हुए कोई नहीं मिलते थे। अगर कोई चोटीधारी कोई तिलकधारी कंठीधारी आ गए ना, अगर कोई चोटी धारणा कर लिया तो बोले कि भैया ये एरियल तुम्हारी क्या एरियल कहाँ से आ गए? गले में अगर कंठी पहन लिया तो बोले तुमने कौन सा पाप किया, गले में तुमने लकड़ी पहन लिया। अगर कोई तिलक लगा लिए तो बोले बगुला क्या काठी कर दिया है। इतने नास्तिक देश हो था, इसलिए ये भक्ति देवी कहती हैं मैं वहां आकर के एकदम वृद्धा हो गई। क्यों? कोई भजन करने वाले नहीं मिले, लेकिन ये वृंदावन में आकर के युवती क्यों हो गई?
बल ये श्रीमती राधा रानी हृदय वृंदावन धाम बल श्री वृंदावन धाम की जय। हमने और एक चीज समझो, अभी कुछ लोग यहाँ से आए दीक्षा लेने के लिए, दीक्षा मतलब होता है दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। कुछ लोग दीक्षा लेने के लिए आए और उन्हें मुड़ मुड़ाए एक चोटी धारण कर ली है, जनेऊ पहन लिया। मैंने सुना उनका जो घरवाल था ना बिगड़ गई, उनका घरवाली बिगड़ गई। बोले ये क्या चोटी कंठी माला तिलक जने क्या, लगता है हमारा घर बर्बाद हो गया। देखो हम लोग हिंदू है, हम लोग कौन है, हम लोग मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है, ये हिंदू है। पहले तुम लोग देख लेना, तुम्हारी वो एक पीढ़ी पहले देख लेना, हर हिंदुओं की गले में तुलसी कंठी ये चोटी सत्य सब जने पहना करते थे, पहनते कि नहीं। सभी का जनेऊ संस्कार होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे तीनों जाति का तो जनेऊ संस्कार होता था। लेकिन धीरे धीरे ये कलयुग का प्रभाव बढ़ने का नाते अभी ये धीरे धीरे सबके सब मुसलमान और क्रिश्चियन होते जा रहे हैं, सबके सब मुसलमान क्रिश्चियन होते जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी संस्कृति है, कंठी तिलक माला चोटी ये हमारी होनी चाहिए। जब तक चोटी नहीं होगा ना, देखो आपके लिए सही घटना सुनाता हूँ, ये चोटी की एक कथा सुनाता हूँ। हमारे एक गुरु जी का आप लोग जानते हो, जीत प्रभु आता है ना हर साल, जीत जानते हो, उनका एक भाई था। हमारे बड़े गुरु जी से जब उन्होंने दीक्षा मंत्र लिया, दीक्षा मंत्र लेकर उन्हें चोटी रखा, अभी नई नई शादी हुई थी, शादी हुई थी चोटी लगाई, नई नई शादी हुई, उनको पत्नी देख करके तो बड़ा नाराज हो गई। पर ये चोटी क्या रख लिया, दुनिया हमें क्या बोलेंगे, इसलिए वो इतना चिंता में लगने लग गई। धीरे धीरे उनका हेल्थ भी खराब होने लग गया, मेरे पति चोटी कैसे रख लिया, हमारे पीहर में क्या बोलेंगे। तो एक दिन पति ने पूछा, भैया तुम इतने दुखी क्यों हो रही हो। बोले इसलिए दुखी हो रहा हूँ, आप जो चोटी रख लिया ना, अरे हमारे पीहर वाले क्या बोलेंगे, आप चोटी बाबा जी हो गए। इतने में उन्होंने क्या किया, बोले ठीक है, उन्होंने चोटी को काट दिया। जब काट दिया उसको कुछ दिन बाद में इतने बीमारी पड़े, उसने इतना बीमारी पड़ा उसका पति, एकदम हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अभी ऐसे स्थिति आ गई जिसे मृत्यु मरने का समय आ गया उसकी। इतने में उस रात में उसने स्वप्न देखा, उसको पकड़ कर कुछ जमदूत ले जा रहे, किसी नरक में ले जा रहे। इतने में उसने गुरु जी को बुलाया, गुरु जी हमें रक्षा करो, गुरु जी रक्षा करो। इतने में गुरु जी आ गए, हमारे जो बड़े गुरु जी आ गए, आकर उसको पकड़ने के लिए, उसको निकालने के लिए कोशिश कर रहे, उसको पकड़ कर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इतने में गुरु जी कहते हैं, बेटा तेरे को निकाल कैसे, तेरे तो छोटी है ही नहीं, किस चीज को पकड़ करके तेरे को तो निकालूंगा भव सागर से, लेकिन तेरे तो छोटी ही नहीं है, पर मैं पकड़ कर निकालू कहां से। उसने साक्षात ये चीज को स्वप्न देखा। इसे छोटी मतलब है, हम जब भव सागर में डूबने जाते हैं, गुरुदेव क्या करते हैं, वो चोटी को पकड़ करके हमें वैकुंठ ले जाते हैं, अभी ये संस्कृति को धीरे धीरे विदेश लोग ग्रहण कर रहे हैं। इस बार परिक्रमा में आप लोग आए थे वृंदावन की, कितने अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी वहां से लोग चोटी रख रहे हैं। देखो दो व्यक्ति हरिबोल कैंडल स्टैंड अप, सुंदर गोपाल कैंडल स्टैंड अप, हरिबोल कम गया, ये कम गया। देखो ये दोनों रसिया से आए, हरिबोल क्या की स्टैंड अप, क्या कम गया। देखो आश्चर्य की बात, देखो इनका छोटी देख रहे कि रसिया से आए, देखो ये मुड़ मुड़ा है कि नहीं, कि छोटी इनके है कि नहीं, इनकी जनेई हुई है, गले में कंठी है ये। और ये दो लड़की देखो, ये दोनों रसिया से आए, देखो। लेकिन कौन हीरो का नाम पूछो, किसी हीरोइन का नाम पूछो, सारी याद होगा, जितने सारे गंदी चीज को याद करके बैठे हुए। लेकिन इनको पूछो ना, पूरा भागवत रामायण सब सुना देंगे सबके सब। ये देखो ये रसिया से देखो मुड़ मुड़ा है कि नहीं, चोटी रखे गले में कंठी जने ये धारण कर रहे, क्यों, अभी इन लोगों ने खा करके जो झूठन फेंक दिया, नफरत होकर के दुखी होकर के इसमें सुखी नहीं, और हमारे भारत के लोग उसको उठा दिया बड़े आनंद से। इसलिए रसिया में इनके देश में लड़कियां सरकार से लड़ रहे हैं, बोले क्यों, बोले हम लोग साड़ी पहन करके क्यों हम कॉलेज नहीं जाए, लड़कियां लड़ रहे हैं।
लेकिन हमारे देश का लड़कियां मतलब जीन्स पहन करके हम क्यों कॉलेज नहीं जाए, ये सरकार से लड़ रहे जीन्स पहन कर क्यों नहीं जाए, ये आश्चर्य की बात है। अब देखोगे अब वृंदावन आकर हमारे परिक्रमा में आए होंगे ना, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, सारा पृथ्वी के लोग गले में कंठी तुलसी, जो चाइनीज लोग बिच्छू सांप खाने वाले मेढक खाने वाले इतने आए थे हमारे साथ में परिक्रमा लगाई, कंठी माला तिलक धारण करते हुए सबके सब हाथ उठा करके बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोटे बना करके बाल को छोटा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो बड़ों के लोग अभी माता और भाई लोग अभी हमारे भारतीय संस्कृति का हम लोग रक्षा कर रहे हो और ये लोग अपना सर पर कपड़ा ओढ़ते हैं, इसलिए ये अभी हमारे सारी संस्कृति के ग्रहण कर रहे हैं और हम लोग उनकी संस्कृति नहीं, चोटी रखना, गुलाबी कंठी पहनना, तिलक लगाना, ये हमारी संस्कृति है। अब भगवान कृष्ण को देखो तिलक लगाए, राम को देखो, नारायण को देखो, हनुमान को देखो, अब कोई भी देवता को देखो सब तिलक के बगैर कोई नहीं है, कोई नहीं रहते तिलक के बगैर। इसलिए हमारी हिंदू संस्कृति इसमें अगर हम जैसे करेंगे हमारे बच्चे भी वैसे सीखेंगे। अभी बच्चे पिता माता की बात क्यों नहीं सुनते, कारण क्या बताओ, यही कारण है किसने आकर के हमारे बड़े गुरु जी को बोले, बोले गुरुदेव बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। गुरुदेव ने कहा बेटा रामायण पढ़ते हो, गुरुदेव ने कहा बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चों को रामायण पढ़ाते हो, बोले नहीं। गुरु जी ने कहा जो रामायण नहीं पढ़ेगा, रामायण बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, उसको बेटे बेटे कभी भी पिता माता का बात नहीं सुनेंगे। क्यों, अगर रामायण पढ़ते तो वहां लिखा हुआ है प्रात उठ ही रघुनाथा मात पीत गुरु नमय माता, भगवान सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छूते हैं, गुरु जी की चरण छूते हैं। जब दशरथ महाराज शयन करते हैं स्वयं राम पिताजी की चरण की सेवा करते हैं, बोले बेटा अगर रामायण पढ़ता ना तब तो बच्चे तुम्हारी प्यार छूते, बच्चे को तो स्मार्टफोन पकड़वा दिया 10-10, 20-20 हजार का, लेकिन तुमने ये नहीं बताया तो एक रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो और एक माला जप करो, कभी बताया, बोले नहीं, बोले इसका दुख तेरे को भोगना। अगर हम कंठी नहीं पहनेंगे, चोटी नहीं धारण करेंगे, गले में अगर जनेऊ नहीं पहनेंगे, हमारी बच्चा कभी सीखेगा हमसे, कभी तुम्हारी बच्चा तुम्हें आदर कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। आप देखना जो बच्चा भजन करता है हरिनाम करेगा तभी तो पिता माता गुरुजन को तभी तो आदर देगा, ठीक है ना। इसलिए कहते ये भक्ति देवी, कहते वृंदावन में जब भक्ति आई जवानी हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य यहाँ पर बूढ़े हो गए, क्यों, इनको कोई पूछने वाले ज्ञान वैराग्य कोई नहीं। तब उन्होंने बोले हो गए कैसे, बोले तुम्हारी बच्चों को मैंने जवानी बना दूंगा। उन्होंने सर्वत्र सबके जा जा करके पूछे, लेकिन सही उत्तर कोई नहीं दे पाए। लेकिन जब उन्होंने चतुर्सन को पास में, बोले अरे ये तो आसानी बात है, इनको श्रीमद भागवत कथा सुनाओ, ये भागवत कथा से ही ये ज्ञान वैराग को चेतनता मिलेगी। बोले कथा कहाँ सुनाए, बोले हरिद्वार में सुनाए, अभी पृथ्वी का जितने ऋषि मुनि तीर्थ सबके सब भागवत कथा सुनने के लिए आए। जब चतुर्सन कथा करने जा रहे थे स्वर्ग के देवता लोग भी पुष्पों की बौछार की, दुंदु भी बजाए, नागड़ा बजाए, श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। अरे जोर से जयकार दो, देवता लोग भी जयकार दे, बौछार करते हैं, क्योंकि भागवत कथा होने पर दुख कष्ट बीमारी सबके सब खत्म हो जाती हैं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत को बताए, ये भागवत कथा नहीं कहती, ये कल्प वृक्ष है। ये क्या है, ये कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, आप अगर सचमुच से 7 दिन ये कथा को एक मन से सुना, नियम करके, ऐसे नहीं जब कथा खत्म होने जा रही है तब एक एक करके आ रहे हैं, नहीं, कथा कैसे सुननी चाहिए, हनुमान जैसे, कैसे, हनुमान जैसे। अब देखना कहीं भी राम की कथा होगी
सबसे पहले हनुमान जी की चित्रपट लगाए, क्योंकि कथा के सबसे बड़े जो रसिया है ये कौन है, श्री हनुमत लाल है। हनुमत लाल जैसे कथा में श्रवण करनी चाहिए, इसलिए कथा से पहले आओ, प्रणाम करो, प्रेम से कथा को सुना, जब कथा विश्राम हो जाए फिर प्रसाद लेकर के फिर जानी चाहिए, हनुमान जी से कथा सुननी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए सिनेमा देखने के लिए कब जाते हैं, पहले जाते हैं ना, लास्ट में जाते ना, बीच में जाते हैं, पहले जाएंगे ना, पहले जाकर लाइन लगेंगे, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो ब्लॉक में टिकट खरीदी करेंगे, फिर बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे, खराब करके पैसा खर्चा करके आएंगे। और यहाँ पर तो देखो कितना सुंदर पैंडल सजा है, बैठने के लिए बड़े सुंदर गद्दा भी बिछवा दिए हैं, उसको बाद में कथा प्रेम से सुना, कीर्तन सुना, उसके बाद में फिर प्रसाद लेकर जाओ, दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। इसलिए और एक चीज है, देखो माता का सबसे ज्यादा चिंता की विषय है घर में जाकर के भोजन बनाना, है ना, क्योंकि भूखे ना भजन कई गोपाला। और यहाँ पर इसके लिए भी कोई चिंता नहीं, पूरा परिवार को लेकर के आओ, पति को भी लेकर के आओ और बच्चों को भी लेकर के आओ, क्यों, आप हर बच्चा चाहता है, हर पिता माता चाहते हैं बच्चे हमारे संस्कारी बने, चाहते भी नहीं, हर पिता माता ये चाहते हैं बच्चे हमारी बात सुने, ध्रुव प्रह्लाद जैसे बने, हर पिता माता चाहते हैं, लेकिन वो बनेंगे कैसे, अगर उनको सत्संग में लाओगे, कथा सुनेंगे तभी तो अच्छे बनेंगे, नहीं तो अच्छे बनेंगे कैसे, तुम्हारी सेवा कैसे करेंगे, तभी तो सेवा तुम्हारी करेंगे। इसलिए आप भी आना, पति लोग भी आए, बच्चों को भी लाओ, सबके सब कथा सुने, उनके अंदर में ज्ञान आए, हैं? सही सही हाथ उठा, कौन पिता माता की चरण छूता हो, एक गोपी छूती है, और हमारे भाई लोग अंदर में कौन कौन पिता माता की चरण छूते हैं, देखो दो चार भक्त लोग उठाए। इसलिए सवेरे उठकर क्या करो, पहले पिता माता की, पहले पिता माता की जो छू रहे तो अच्छी बात है, जो नहीं छूते हो सबसे पहले पिता माता की हमें चरण छूनी चाहिए, क्योंकि पिता माता की आशीर्वाद से ही बच्चे अच्छे बनते हैं, और उनका आशीर्वाद इतने जोर जबरदस्ती आशीर्वाद है, ये भाग्य में जो लिखा हुआ ना, अगर पिता माता के आशीर्वाद हो, अगर उल्टा पुल्टा हो पिता माता के आशीर्वाद से खत्म हो जाए, इतने पिता माता की आशीर्वाद फलीभूत होता है, ठीक है ना। इसलिए कहते श्री नारद जी जब कथा चतुष्ण जब कथा सुनाए, भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य, ज्ञान बड़े शुष्क होता है, वैराग्य भी बड़े शुष्क होता है, लेकिन ये भागवत कथा सुन करके सबके सब नाच उठे, सबके सब नाच उठे। इसका मतलब क्या है, अगर ये भागवत कथा सुनोगे, भक्ति की दो बेटे हैं, एक ज्ञान है एक वैराग्य है, क्योंकि ये ज्ञान वैराग्य जब तक पुष्ट नहीं होना तब तक ये भक्ति भी पुष्ट नहीं होगी, तब तक भक्ति रोती रहेगी, लेकिन ज्ञान वैराग्य केवल भागवत कथा से ही ये पुष्ट पर जवानी यही बन सकते हैं। इसलिए सब के सब नाचने लग गए, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय Thank you.
कीड़े मकोड़े थे सब के सब भगवत लोगों को प्राप्त हो गए। इतने में नारद जी को बड़ा आश्चर्य लगा, अगर कोई प्रेत जन्म में पड़ा हुआ हो उसको मुक्ति होगी कि नहीं। फिर उन्होंने गोकर्ण धुंधुकार की कथा सुनाई। हर साल आप लोग सुनते हो इसलिए ये कथा मैं नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जब धुंधुकार को वेश्याओं ने जो बुरी तरह से उसको मार डाले, जब उसने प्रेतात्मा बना, जब गोकर्ण आकर के देखा अभी भी प्रेत बन के बैठा हुआ, उसको गया में पिंड दे चुका था लेकिन तभी प्रेत बना हुआ। बोले भैया तेरे नाम पर गया में पिंड दिया लेकिन मुक्ति नहीं मिली। बोले मैंने इतना पाप किया, एक बार क्यों, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब सूर्य देवता को पूछे, बोले केवल ये भागवत से ही मुक्ति मिलेगी। उन्होंने गांव वालों को बुलाए, बैठाया, फिर उन्होंने कथा सुनाया। जब उन्होंने कथा सुनाए, लेकिन धुंधुकारी के लिए एक रथ आया और धुंधुकारी रथ में बैठी करके जब वैकुंठ जा रहा था, गोकर्ण ने पूछा, भैया यहाँ पर इतने सारे भक्त लोग बैठे हुए, तुम सबके लिए तो एक एक रथ लाना चाहिए था ना, लेकिन तू एक रथ क्यों लाया। देखो इतना बात अच्छे तरह से सुन लो, क्योंकि कथा सुनने पर भी, कथा में बैठने पर भी कथा कैसे सुननी चाहिए ये बात उसमें बता रहे। बोले विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मी दिनत्व भावनम। देखो कथा सुनने का पहला नियम है विश्वास। अभी प्रभु जी आविष्ट का बात बता रहे थे, कथा ध्यान से सुननी चाहिए। यहाँ पर कह रहे विश्वास हो साथ में। देखो एक बच्चा 25 साल पढ़कर के इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, 25 साल को बाद में लेकिन जो पढ़ाई करता है वो विश्वास हो साथ में पढ़ता कि नहीं, चलो मैं एक इंजीनियर डॉक्टर सीए बनूंगा तभी जाकर के हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन पहले से लक्ष्य करके उसको पढ़ता है, जाकर के बनता है इंजीनियर डॉक्टर। लेकिन पढ़ करके लिखाई पढ़ करके नौकरी करके पैसा कमा कर क्या सुखी शांति मिल जाता है। किसको पूछो, तुम सीए बन गए डॉक्टर इंजीनियर बन गया, बढ़िया से शादी हो गई बच्चे हो गए, क्या अभी तुम सुखी हो, किसको पूछ लो। कोई बोलेगा तन से दुखी, कोई बोलेगा मन से दुखी, कोई बोलेगा धन से दुखी, कोई बोलेगा परिवार से दुखी, कोई बोलेगा बीवी से दुखी, कोई बोलेगा बॉयफ्रेंड से दुखी, कोई बोलेगा गर्लफ्रेंड से दुखी, कोई बोलेगा सास से दुखी, ननद से दुखी, दुखी दुखी। लेकिन अगर ये भागवत कथा कोई सुने तो और अपना जीवन में उतार लेना, जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के भगवत धाम में चला जाता है। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपदुत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन जी जब तुम जब मुझको प्राप्त करोगे परम शांति परम गति चिरकाल के लिए तुमको प्राप्त होगा, फिर जगत में जन्म नहीं लोगे। तो उसी के लिए तो कुछ ध्यान से सुननी चाहिए ना। इसलिए पहला क्या, बोले विश्वास गुरु वाक्य सुन, पहले गुरु जी की वाक्य और शास्त्र के ऊपर में पूर्ण विश्वास होनी चाहिए। अगर हमने ये सोचने लग जाए अरे पंडित लोगों ने पेट पालने के लिए उसको तो मनमाने ढंग से सब बना दिया, प्रेत भूत किसने देखा है, भैया मेरे कथा में बैठने पर तुम्हें फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला तुम्हारा विश्वास ही नहीं। पर स्वस्मिन दिनत्व भावनम, दूसरा लक्षण है तीनहीन होकर के हाथ जोड़ करके प्रेम से भी कथा सुननी चाहिए, प्रेम से कथा सुननी चाहिए हैं? तभी और स्वस्मिन दिनत्व भावनम, बोले मन, एक मन से कथा सुन, आविष्टता होनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर बैठे लेकिन शरीर तो यहाँ पर, लेकिन मन अपना घर में यहाँ बैठने पर भी आपको कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। क्यों, आप मन से कथा नहीं सुनते हो। हम कहते ना भैया पढ़ाई मन से करो, खाओ मन से, काम करो मन से, कहते कि नहीं, शरीर से कोई नहीं बोलते, मन से हर काम को मन से करो। इसलिए कहते मन से कथा सुननी चाहिए, एक मन से। कैसे सुननी चाहिए, पहले मैंने आपको बताया एक व्यक्ति दुकान में मूर्ति खरीदी करने के लिए गए, उन्होंने देखा तीन मूर्ति, पूछा भैया इसका क्या कीमत है। बोले पहला वाला मूर्ति का कीमत 100 रुपया, बोले दूसरा वाला बोले 500, बोले तीसरा बोले 5000। बोले क्यों, ये तीनों मूर्ति तो बराबर है, ये फर्क क्यों। बोले तीन ग्लास दूध लाओ अब इसका फर्क दिखा था।
जिसका कीमत था 100 रुपया, जब उसको कान में दूध डाला ना, इधर तक डाला उधर से निकल कर जा गया। मतलब ये जो कथा सुनता है ये इधर सुनकर इधर वो निकाल देता है। दूसरे वाले मूर्ति को कान में दूध डाला, इधर डाला तो सीधा इधर निकल कर आ गया। बल्कि ये तो सुनता तो है लेकिन इधर सुनकर के इधर ये निकाल देता है। इसलिए इसका कीमत तो 500 रुपया। और जो 5000 रुपया की मूर्ति था उसको कान में दूध डाला तो एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, वो अंदर में पूरा पूरा अंदर में चला गया। बल्कि जो कथा सुनता है वो पूरा पूरा अंदर में ले जाता है। इसलिए हमें 5000 मूर्ति की वाले हमें होनी चाहिए, तभी कथा की पूरी फल मिलेगा। खैर उन्होंने दूसरे दिन से कथा सुनाया, सबके सब एक मन से कथा सुने, कथा से पहला ध्यान से कथा सुने और अपना जीवन में उन्होंने उतारे। जब घर में गए, जो कुछ काम करो ठाकुर को सेवा मानकर करो। घर में झाड़ू लगाओ तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो। कोई रसोई बनाओ तो रसोई किसके लिए बना रहे हो, ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं। गोपियां क्या साधु बन गई थी, गोपियां भी घर में थी, इसलिए कुछ लोग चोटी रख लिया, जनेऊ पहन लिया ना, बोले हो ना पर पति साधु नहीं बन गया। अरे गोपियां क्या घर वाले छोड़कर साधु बन गई थी। ये भागवत में देखोगे जितने सारे भक्तों का चरित्र आएगा ना, सब गृहस्थ है। ये बताओ अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे, भरत महाराज गृहस्थ थे, ध्रुव महाराज गृहस्थ थे, प्रहलाद जी गृहस्थ से गृहस्थ थे कि नहीं। कोई एक आध त्यागी था, एक आध कोई त्यागी था, इसलिए गोपियां भी घर में रहती थी। लेकिन रहती थी तो घर में, लेकिन सब कुछ तन मन सब कुछ कृष्ण को देती थी। हाथों में करती थी काम और मुंह में करती थी नाम, हाथों में सेवा और मुंह में ठाकुर जी की नाम लेती थी। हैं, ये सहज समाधि है। इसलिए कथा सुनते समय एक मन से कथा सुनो, और जब घर में जाओ क्या करो, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो, बस मुक्ति। ये तो एकदम सरल सीधा रास्ता है, हैं? इसलिए उन्होंने फिर 7 दिन तक सही सही कथा सुनी। जब कथा विश्राम हुआ, जितने लोग वहां बैठे हुए थे सभी के लिए एक रथ आया, सबके सब रथ में बैठ करके सबके सब भगवत धाम में गए। लेकिन जो गोकर्ण कथा सुना रहा था उसको विशेष आदर पूर्वक ले गए। बोले क्यों, बोले इनकी वजह से इतने लोगों को उद्धार हुआ है, उसको विशेष आदर पूर्वक उनको भगवत धाम में उनको लेकर गए। इसलिए हर साल मैं सुनाता हूँ, इसलिए कथा जो श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, एक श्रेष्ठ और एक कनिष्ठ। जो श्रेष्ठ है वो 4 तरह के, कितने तरह के, हाँ बताओ तो, कोई एक एक बताओ, हर साल को मैं बताता हूँ, कौन बोलेगा हाथ उठा। जो अच्छे श्रोता में एक श्रोता बताओ, कौन बोलेगा हाथ उठा, हर बोलो, कुछ याद नहीं, हाँ सुनो आज बोल देता फिर कल सुनूंगा। पहला नंबर हंस, हंसों को दूध दो वो केवल दूध दूध ही पी लेते हैं और पानी पानी को छोड़ देता है। मतलब वे श्रेष्ठ श्रोता ने कथा की सार को तो ग्रहण करे और असार को त्याग दे। दूसरा नंबर है चातक, ये पक्षी कभी भी किसी तालाब का पानी किसी नदी का पानी नहीं पिएगा, वो वही पानी पिएगा स्वाधीन नक्षत्र, जब बारिश हो तभी वो पानी पिएगा। इसलिए वो हर समय कहता है प्यासा हम प्यासा हम, अरे को पानी 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 बोलकर चिल्लाते रहता है। इसका मतलब है कैसे कथा सुननी चाहिए, बोले चातक जैसे टक टक लगा कर, चातक मतलब होता है एकदम टक टक लगा कर कथा सुननी चाहिए। तीसरा नंबर मछली, मछली को देखना उसका जो पलक कभी झपकती नहीं, वो पलक एकदम खुली हुई रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए, एकदम पलक खोल करके, थोड़ी सी भी झपक नहीं है पलक, मतलब एक मन से टक टक लगा कर कथा सुने। तीसरे चौथा नंबर है मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी देखना कांटा वृक्ष में अगर फूल हो वहां भी बैठ करके शहद को ग्रहण कर लेगा, उसी तरह हमें मधुमक्खी बन करके हर जगह से हमें सार सार को लेना और असार को हमें छोड़ देना। बोले 4 तरह का कनिष्ठ भक्त है, साधारण भक्त है, श्रोता।
पहला नंबर है गुरु। कहते ये रहता है हिमालय पर्वत में, इसका एक स्वभाव है, आप इसको जैसे सुनाओगे ना वो ठीक आपको वैसे सुना देगा, सुन भी लेगा सुना भी देगा, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर भी अपना जीवन में उतारेगा। ऐसे कुछ लोग हैं बड़े सालों से कथा सुन रहे हैं लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, गले में कंठी अभी तक नहीं, तिलक नहीं, एकादशी व्रत हरिनाम नहीं करते, फिर कथा थोड़ी सुनना होता है। कथा सुनना उसे कहते हैं जैसे मैंने कहा भैया एक गिलास पानी दो, लेकिन आपने सुन लिया एक गिलास पानी मांग रहे हैं लेकिन आपने एक गिलास पानी नहीं दिया, बताओ उसको सुनना सुनना कहते कि नहीं कहते? तभी सुनना कहते हैं जब आप एक गिलास पानी दोगे। इसलिए कथा भुरुंड जैसी कथा नहीं सुननी चाहिए, सुना सुनाओ लेकिन अपना जीवन में उतारेंगे नहीं। दूसरा नंबर है ऊंट। आप देखना ऊंट को कोई कोमल कोमल आम का पत्ता बढ़िया बढ़िया कोई फल दो वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बबुल का पेड़ कहाँ पर, कांटा कहाँ पर, वो उसको ही खाता रहेगा, वो मुंह से खून निकलता रहेगा और उसको सोचेगा बाप इसमें क्या स्वाद है। मतलब है जो भगवान की कथा मीठी मीठी कथा नहीं सुन करके केवल जिसमें दुख दुखी है, देखो भगवान की कथा में आनंद है कि नहीं? जब तक हम कथा में बैठे सारा दुनिया के दुख कट भूल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या करते हैं भगवान की कथा भगवत भजन में कोई रुचि नहीं, बैठ कर उसकी बहू ऐसे कर रही थी, उसकी छोरी ऐसे कर रही थी, उसको घर में ऐसे झगड़ा, उसका छोरा ऐसे कर रहा था, बैठ करके बिना कारण की हजूर बिना कारण की गंदी गंदी चर्चा करते रहेंगे। कहते ये कांटा यही कांटा है, हैं? इसमें बैठे कर हरी चर्चा करेंगी, आज तुमने भागवत क्या पढ़े हो, कितने माला जप किए हो, ठाकुर जी को तुमने कैसे श्रृंगार की, भगवान को कैसे, अरे बैठ करके हरी चर्चा करना जिसमें शांति शांति है, हमें ऊंट नहीं बननी चाहिए। तीसरा नंबर है कहिए बेल। बेल को आप कोई सुंदर सुंदर फल दो, सुंदर सुंदर केले के फल दो लेकिन और कोई भूसा दो, उसके लिए दोनों ही बराबर है। वो भूसा दो और सुंदर सुंदर केले और आपेल कोई चीकू क्यों नहीं हो? इसका मतलब है जो व्यक्ति हरि की चर्चा हो नहीं तो दुनिया की चर्चा हो कुछ भी चर्चा हो बैठ करके चर्चा करने लगे, बोले ये बेल सबके साथ ये बेल है, ये चर्चा सही चर्चा नहीं। इसलिए और जो चौथा नंबर है कहिए गधा। चौथा नंबर गधा। गधा पीठ के ऊपर में सारे दाल चावल चीनी सब पहाड़ में जो ढोकर ले जाएगा लेकिन उसको मालिक कभी एक गिलास शरबत बनाकर नहीं देगा, कभी उसको परना नहीं खिलाएगा, कभी उसको सब्जी नहीं खिलाएगा, क्या खिलाएगा? घास ही खिलाएगा। इसका मतलब है धोएगा तो सारे शास्त्र ग्रंथों को पढ़ेंगे लेकिन अपना जीवन में वो चीज को नहीं उतारेंगे, बोले गधे। इसलिए हमें श्रोता बननी चाहिए चातक जैसे, मछली जैसे, हंस जैसे, मधुमक्खी जैसा हमें श्रोता बननी चाहिए। कहते कथा चार तरह का है, सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं? एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुन लिया लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं। राजस की कथा किसको कहते हैं? बड़े ठार बार से हमने कथा को सबको निमंत्रण दिया, आओ कथा सुना, लेकिन सभी की व्यवस्था में इतने बिजी रह गए, कौन आया कौन खाया जिसको चाय पानी मिला कि नहीं, उसको भोजन उसी में ही व्यवस्था में ही व्यस्त रह गए, बोले ये राजसी कथा है। बोले तामसी कथा किसको कहते हैं? बोले 7 दिन तक कथा तो करवाते हैं, कभी सुने कभी नहीं सुने, कभी मन नहीं लगा, एक चक्कर घूम करके आ गए, इसको कहते हैं किसी तरह से बिताना 7 दिन। कभी तामसी कथा की कथा भी सही नहीं, लेकिन सही कथा किसको कहते हैं? बोले निर्गुण। बोले निर्गुण मतलब क्या? बोले रोज घर में नियम करके गीता हो भागवत हो रामायण हो रोज नियम करके कुछ ना कुछ ग्रंथ पढ़े, घर में ठाकुर का आरती उतारे, ठाकुर जी को भोग लगाए, ठाकुर जी का कीर्तन करे, अपना जीवन को ऐसे बनाए उसको 24 घंटा ये लगे हम भगवान की चरण में रहते हैं। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं
जेति न गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई, मतलब जिसके घर में कीर्तन पूजा पाठ भक्ति होती है यदि वो घर नहीं वही भगवान के धाम है, वही से वृंदावन धाम है। अगर घर में ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति करेंगे तो हमारे घर ही श्री वृंदावन बन जाएगा, इसलिए अपना घर को ही वृंदावन का स्वरूप दो। ठीक है, बस वृंदावन धाम की जय, बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। ठाकुर जी को भोग लग गया प्रभु जी? हाँ, सब के सब खड़े हो जाओ। हाँ, आप लोग से एक प्रश्न है, आप लोग ये बताओ कथा कितने से कितने तक होनी चाहिए, बताओ कितने से कितने तक होनी चाहिए। आप लोग जितने बजे बोलोगे ना हम लोग ठीक उसी समय में कथा सुनते हैं। और माताएं बताओ कितने बजे, कितना बजे? चार बजे आओगे? आज तो देखा 5 बजे कोई बोल ठीक है, कोई बोल रहे हैं 4 से, कोई बोल रहे हैं 5 से, और कोई बोल रहे हैं 6 से। 3 बजे से आप आज को 4 बजे तक आया था? ये कोई कथा लेट थी ना इसलिए, कथा कोई लेट नहीं थी, हम लोग यहाँ बहुत पहले आने के लिए सोच रहे थे, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पर, कोई है इसलिए ऐसे समय पर रखो कि सबके सब आए और कथा सुनो। 3 बजे बोल तो भाई आ रही 5 से 8 जी, हमारा सिर्फ 5 से 8, 5 से 9, 6 से 9 जी, 6 से 9 करो, 6 से 9 का समय हो, ये 5 से लेकर 6 से 9, 6 से 9, 6 से 9, 6 से 9 अपना दुकान करते हैं, 6 से करो लोग, गुरु जी 6 से 9। ठीक है, ठीक है, 5 से लेकर 8 मिनट में हरे कृष्णा। देखो गुरुदेव ने समय रखा है सबके लिए 5 बजे से, 5 बजे का समय ठीक है। अभी जब गुरुदेव आ रहे थे रास्ते में यही चर्चा हो रही थी कि कथा का समय क्या रखा है, गुरुदेव पूछ रहे थे, मैंने कहा हमारा गुरुदेव 3 बजे का समय रखा है, कहना 4 बजे तक नहीं आए, यहाँ पर आए गुरुदेव, हम 4:30 बजे आ गए थे यहाँ पे, देखा यहाँ कोई है ही नहीं, 5-4 लोग बताओ फिर क्या फायदा है उस से। तो इसलिए संडे का जो दिन है ना 2 तारीख को जो यात्रा निकलेगी उसमें सवेरे भी कथा होगी, सवेरे कथा होगी 9:30 बजे से, और उसके बाद कथा होकर के शोभा यात्रा होगी, तो कोई ये मत सोचे कि जो है संडे वाले दिन यात्रा के समय कथा नहीं होगी, क्योंकि 7 दिन का समय रखा है गुरुदेव से, तो सोमवार से लेकर संडे तक है, इतवार 2 तारीख तक। आप सभी से प्रार्थना है 9:30 बजे कहाँ पर? यहीं पर नहीं आएगा, नहीं आ जाएंगे गुरुदेव, भोग छप्पन भोग लगेगा, आप लोग सवेरे कोई आ सकते हो? नहीं कोई नहीं, संडे को छुट्टी है ना, संडे संडे संडे, हाँ संडे संडे का दिन ठीक है, संडे का दिन उसमें रथ यात्रा है ना, रथ यात्रा दिन प्रभु जी हम थोड़ी आपस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, डिस्कशन करके प्रभु सर डिस्कशन करके बताएंगे, ठीक है। और देखो हरि बोल, आप लोग कार्तिक महीना में मैंने सुना आप पूरे को पूरे पूरा मंगलारती में आए हो, कार्तिक महीना में आए ना सबके साथ, अभी भागवत कथा हो रही है, अब कोशिश करना हो सके तो मंगलारती कितने बजे होती है? 5:15 बजे मंगलारती होती है, अगर आप लोग मंगलारती में आओगे 5:30 बजे आ जाओगे, उसके बाद में मंगलारती के बाद में भी हम आधा घंटा कथा करेंगे मंदिर में, ठीक है, आधा घंटा कथा होगी, इसके बाद में आप लोग अपना अपना घर में चले जाना। और उस हम सोच रहे हैं सवेरे है ना, अगर कोई घर में प्रोग्राम रखवाना चाहते शाम को नहीं रखेंगे, शाम को यहाँ से देर हो जाएगा, सब कभी मैं चले जाऊँगा, कभी बंसी बदन प्रभु चले जाएंगे प्रोग्राम में चले जाएंगे, कभी ये लोग भी चले जाएंगे, आप लोग भी चले जाओगे, इसलिए सवेरे, इसलिए अगर किसी को घर में प्रोग्राम रखवाना चाहते हो आप लोग सवेरे, शाम को नहीं सवेरे अपना घर में प्रोग्राम रखवा सकते हैं, ठीक है। हरि बोल श्री राधे बोलो वृंदावन हरि राधे की जय।
आरती हरे राधा की हरे हरे Oh,
अरे यार कैमरा फैमरा पीछे रखा करो ना, सुनाई नहीं पड़ रहा है, आगे आगे बैठ जाता है। सभी हाथ में एक बार बोलता है हर बार क्या बोलना है, ताली बजाकर प्यार से बोलेंगे, ताली हाथ उठाइए एक बार सभी लोग प्रेम से, है प्यार से बोलो के लिए, सभी खड़े हो जाए।